मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। मामा जी मेज़बान शाज़िए करीम अमा जी खिदमत में हाजिर आया आई अज मुझे साथी मेज़बान गैर हाजिर है कुछ कमनकारन जे सिलसिले में वयल आहिन बाहर इन करे अज प्रोग्राम यकीनन मां कंदस अमा जो साथ हुंदो अमा लाइव कॉल्स कंदो आई पांजी राय खां सके आगाह कंदो अज अस कोशिश कंदासी त मुख्तलिफ बीमारियन ते गालायूं सियारे जी मुंद जडी ईंदी आहे त घणो करे पोढ़ा जेके असांजा आहिनि बुज़ुर्ग आहिनि उन्हनि जे जोड़नि में या संधनि में सूर तमामु घणो रहंदो आहे। हाणे इहो तव्हां हिकिड़ो एज फैक्टर त एज जे करे अक्सर ईअं थींदो आहे त जॾहिं इंसान पोढ़ो थींदो आहे त इलाही शयूं हूंदियूं आहिनि जिस्म में जिन जी खोट थी वेंदी आहे उन खां पोइ इंसान वेहिजी वेंदो आहे या जोड़नि में तमामु घणो सूर थींदो आहे। पर अॼुकल्ह इहो मसइलो तमामु घणो कॉमन थी वियो आहे। पोइ ॿारा हुजनि नौजवान हुजनि कॉलेज वेंदड़ ॿारा हुजनि या यूनिवर्सिटी वेंदड़ शागिर्द हुजनि उन्हनि खे अॼुकल्ह इहा तमामु घणी शिकायत आहे त संधनि में सूर रहे थो ऐं ख़ासि करे जोड़नि में सूर रहे थो जंहिंजे करे लाज़िम आहे इंसान जी ज़िंदगी तमामु घणी डिस्टर्ब थिए थी। हाणे इन जा सवें कारण थी सघनि था पर कुझु जेके कारण आहिनि उहे अॼु असां हिते डिस्कस कंदासीं। उन्हनि में सभ खां वॾो कारण आहे वाइटमिन डी जी डिफिशंसी, यानी कि वाइटमिन डी जॾहिं असांजे जिस्म मां घटिजी वेंदी आहे या उनजी खोट थी वेंदी आहे त पोइ असांखे संधनि में सूर थियणु शुरू थींदो आहे ऐं वाइटमिन डी जो हिकिड़ो पूरो कोर्स थींदो आहे उनखां पोइ इंसान सिहतयाब थींदो आहे। ऐं वाइटमिन डी हासिलु कीअं कजे इन हवाले सां डॉक्टर्स जो ऐं माहिरनि जो इहो चवणु आहे त सुबुह जो जल्दी उथंदा कयो ऐं सिज जा जेके पहिरियां किरणा हूंदा आहिनि उहे ज़रूरु वठंदा कयो छो त उन्हनि में वाइटमिन डी तमामु घणी मिक़दार में हूंदी आहे। उनखां पोइ शाम जॾहिं थिए थी सिज लहण खां पहिरियों वारो जेको वक़्तु हूंदो आहे उहो बि तमामु सुठो हूंदो आहे। यानी कि अक्सर जिथे डॉक्टर्स असांखे सजेस्ट कंदा आहिनि त एक्सरसाइज़ कयो त इहो जेको टाइम हूंदो आहे इहो वॉक करण जो टाइम हूंदो आहे ऐं इन वक़्त में असांखे वाइटमिन डी तमामु घणी मिलंदी आहे। इन खां अलावा धौरे जो इस्तेमालु आहे आने जो इस्तेमालु आहे या ॿियूं कुझु ग़िज़ाई शयूं आहिनि जंहिंजो इस्तेमालु जेकॾहिं कयो वञे त पोइ असां इन मर्ज़ खां बची सघूं था। पर धौरो काफ़ी सूरतूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन में ठीकु नाहे हूंदो छो त धौरो खटो हूंदो आहे ऐं इन करे संधनि में सूर वधण जा तमामु घणा चांसिस हूंदा आहिनि। त पहिरियों इन ॻाल्हि जी पक करणु ज़रूरी आहे ऐं तशख़ीस थियणु तमामु घणी ज़रूरी आहे त जोड़नि में या संधनि में जेको सूरु थिए थो उनजो कारण कहिड़ो आहे। ॿियो अॼुकल्ह अक्सर असां नंढपण खां वठी ॿुधंदा था अचूं त अक्सर माण्हू कुझु अहिड़ो बिहेव कंदा आहिनि जेको हिकिड़े नॉर्मल इंसान खे न करणु खपे ऐं चयो वेंदो आहे त हिन खे जिन थी वियो आहे, हिन खे मुख़्तलिफ़ आवाज़ ॿुधण में अचनि था, मुख़्तलिफ़ शयूं नज़र अचनि थियूं त इन जो मतिलबु आहे हिन खे जिन आहे। हाणे हिकिड़ी मखलूक आहे उन खां लाज़िम आहे बहैसियत मुसलमान छो त क़ुरान पाक में इन ॻाल्हि जो ज़िक्र आहे, असां हिन खे इन शइ खे डिनाए नथा करे सघूं। पर हिकिड़ी बीमारी आहे जंहिंखे असां शिज़ोफेरिनिया चऊं था, हिन शिज़ोफेरिनिया जा तमामु घणा क़िस्म आहिनि ऐं इहा बीमारी जॾहिं थींदी आहे त पोइ इंसान जे ॾिसण जी जेका सघ आहे उहा एतिरी हद ताईं वधी वेंदी आहे जो उनखे या ईअं चइजे त ॿुधण जी हिस बि वधी वेंदी आहे, आवाज़ तमामु घणा ॿुधण में ईंदा आहिनि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा हूंदी आहे त हिकिड़ी इंसान जो ईअं चए त वहम जेको हूंदो आहे न उहो तमामु घणो थी वेंदो आहे। पोइ इन करे इंसान खे लॻंदो आहे त हिते बि को सायो आहे, हुते बि को सायो आहे, हुते बि को माण्हू बीठो आहे, या इंसान पंहिंजी हिकिड़ी दुनिया तख़लीक़ कंदो आहे अकेलो रही रही करे, शयुनि खां बेज़ार थी करे, डिप्रेशन में रही करे, ऐं उहा जेका दुनिया हूंदी आहे उन में हू पंहिंजे पाण सां मुखातिबु हूंदो आहे, हम कलाम हूंदो आहे, या पंहिंजे लाइ हिकिड़ो ईअं चए त ॿियो इंसान तलाश करे वठंदो आहे जेको महज़ हिकिड़ो ख़्यालु हूंदो आहे ऐं उन ख़्याल सां वेही करे हू कचहरी कंदो आहे, ॻाल्हियूं कंदो आहे ऐं माण्हुनि खे लॻंदो आहे त हीउ चरियो आहे। ऐं उन इंसान खे इन ॻाल्हि जी ख़बर बि न पवंदी आहे त हुन कुझु वक़्तु पहिरियों कहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो वार्तालाप कयो आहे या कहिड़े क़िस्म जो हुन कमु कयो आहे। त इन करे बीमारियूं तमामु घणियूं आहिनि, बजाए जो ॻोठनि में जागर करणु शुरू कयो ऐं पीरनि ते वञी तव्हां रातियूं रातियूं रहो था, उन मरीज़ खे वधीक तकलीफ़ ॾियो था, त बराए महिरबानी के सुठे डॉक्टर सां अवां लह विचण में ईंदा कयो, उन जी पहिरियों तशख़ीस कराए वठो त छो थो थिए। अच्छा, अक्सर ईअं बि थींदो आहे ॻोठनि में घणो करे इहो मर्ज़ु जंहिंखे असां जिन चऊं था या इहो था चऊं त हिनखे हाणे सायो थी वियो आहे, त हिन जो हिकिड़ो ॿियो कारण बि हूंदो आहे त ॻोठनि में अक्सर असां ॾिठो हूंदो त घर में वॾा वण हूंदा आहिनि ऐं असां राति जो उन्हनि वणनि जे हेठां सुम्हंदा आहियूं, त वण राति जो कार्बन डाइऑक्साइड तमामु घणी ख़ारिज कंदा आहिनि जंहिंजे करे ऑक्सीजन जेका मिक़दार हूंदी आहे उहा तमामु घणी घटिजी वेंदी आहे। ऐं इहो ई कारण हूंदो आहे त अक्सर जेके साह जूं बीमारियूं हूंदियूं आहिनि या मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं जेके एलर्जीज़ हूंदियूं आहिनि उहे राति जो तमामु घणो ज़ोर भरींदियूं आहिनि ऐं ॾींहं जो उहो ई इंसान ट्राट हूंदो आहे। पोइ घणो करे वरी इहो बि चयो वेंदो आहे त राति बसि थिए थी हाणे कमकार खां नटाइण जे लाइ हे इंसान बहानो थो करे, जॾहिं त ईअं कोन हूंदो आहे।
जॾहिं वजूद मां जिस्म मां ऑक्सीजन जी मिक़दार घटि बि आहे त पोइ इलाही शयूं हूंदियूं आहिनि जेके ज़ाहिर थी पवंदियूं आहिनि। त इन करे चवण जो मतिलबु या इहे ॻाल्हियूं ॿुधाइण जो मतिलबु इहो आहे त मेडिकल तमामु घणी तरक़ी कई आहे ऐं मेडिकल लाज़िम आहे तरक़ी कई आहे त पोइ असांखे मेडिकल वारे पासे ते वञण बि खपे ऐं डॉक्टर्स खे ॾेखारण बि खपे ऐं बजाए जो असां मरीज़ खे वेठा सज़ा ॾियूं ऐं जागर करायूं, हिन खां बहितर आहे त असांखे चङे डॉक्टर ताईं पहुचूं त जे तशख़ीस थी सघे। हाणे ॻोठनि में हिकिड़ो इहो रिवाजु बि आहे, हाणे त ख़ैर घटिजी वियो आहे पर नंढपण में मूंखे यादि आहे त नानी या ॾाॾी पुराणे दौर जूं कहाणियूं ॿुधाईंदियूं हुयूं। हाणे कुझु कहाणियूं अहिड़ियूं हूंदियूं हुयूं जिन में परीअ जी कहाणी हूंदी, राणीअ जी कहाणी हूंदी हुई, कंहिं बादशाह जी कहाणी हूंदी हुई, त नंढपण में असां हिकिड़ो तसवुर कंदा हुयासीं त मां उहा राणी आहियां। असां फील कंदा हुयासीं त असां उन हंध ते, उन जाइ ते मौजूदु आहियूं। कुझु वरी डोॼाइण जे लाइ त हाणे ॿारु निंड नथो करे, हिनखे का अहिड़ी कहाणी ॿुधाइजे जो भव में सुम्ही पए, त कॾहिं वरी जिननि जूं या देवताउनि जूं कहाणियूं बि ॿुधायूं वेंदियूं हुयूं। इहो बि वरी हिकिड़े लोक अदब जो हिकिड़ो हिसो बि आहे त उन्हनि कहाणियुनि जे सबबु छा थींदो आहे, जॾहिं इंसान जी ग्रोथ पई थींदी आहे हिकिड़े ॿारे जी त उहे शइ हुनजे ज़हन में फिक्स थी वेंदियूं आहिनि, जंहिंखे असां डपु चऊं था, फियर चऊं था। ऐं जॾहिं उहो इंसानु वॾो थींदो आहे ऐं उनखां पोइ वरी समाज जूं कुझु अहिड़ियूं हालतूं हूंदियूं आहिनि या घर में हिकिड़ो अहिड़ो इन्वायरमेंट हूंदो आहे जेको 24 कलाक डिप्रेशन में हिकिड़ो माण्हू मुबतला हूंदो आहे ऐं 24 कलाक परेशानियूं हूंदियूं आहिनि, त पोइ इंसानु वरी इमेजिनेशन जी हिकिड़ी दुनिया ठाहे छॾींदो आहे। पोइ हाणे उहा ख़ौफ़नाक बि थी सघे थी, उहा दुनिया तव्हांजी तमामु घणी सुहिणी बि थी सघे थी। इहो डिपेंड करे थो त इंसान जी जेका मेंटल लेवल आहे उहा शयुनि खे केतिरो तस्लीम थी करे। त इन करे कुझु बीमारियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके उन्हनि शयुनि जे करे जनम वठंदियूं आहिनि। अच्छा, अॼुकल्ह डिप्रेशन बि तमामु घणो आम आहे। हाणे अक्सर असां वटि चवंदो आहे, चयो वेंदो आहे त हिनखे कहिड़ा सदमा मिलिया आहिनि जो हिनखे डिप्रेशन थी पियो आहे। त डिप्रेशन जो तालुक़ु सदमे सां न आहे हूंदो, ज़रूरी न आहे हूंदो त इंसान खे को वॾो सदमो रसे या इंसान खे का वॾी तकलीफ़ रसे। कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके तमामु घणा हसास हूंदा आहिनि, उहे दुनिया जे साम्हूं ज़ाहिर कंदा आहिनि त असांखे को फ़र्क़ु नथो पए असां में कहिड़े मतिलबु अहिड़े क़िस्म जूं फीलिंग्स ईंदा आहिनि जंहिंजे करे असां हर्ट थियूं या जंहिंजे करे असां परेशान थियूं, असां रोअंदा न आहियूं या अहिड़े क़िस्म जूं। पर यकीन कयो, इहे सॼियूं ॻाल्हियूं कूड़ हूंदियूं आहिनि। उहो इंसानु महज़ दुनिया खे इहो ॾेखारणु चाहींदो आहे त मां स्ट्रॉन्ग आहियां, जॾहिं त अंदरां उहो इंसानु ओतिरो ई कमज़ोरु हूंदो आहे, ओतिरो ई वीक हूंदो आहे। उनखे नंढनि नंढनि ॻाल्हियुनि जो असरु थींदो आहे ऐं जॾहिं असरु थींदो आहे त हू कुझु माण्हू हूंदा आहिनि जेके रिएक्ट कंदा आहिनि, यानी पंहिंजी ॻाल्हि बयां करे छॾींदा आहिनि, ऐं कुझु माण्हू वरी अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके रिएक्ट न कंदा आहिनि, उहे शयुनि खे अंदरि ई अंदरि ज़म पिया कंदा आहिनि। जॾहिं अंदरि ई अंदरि उहे शयूं पयूं हुनजे दिमाग़ में हलंदियूं आहिनि, पंहिंजा विसविसा हूंदा आहिनि, पंहिंजियूं हिकिड़ियूं ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि, ऐं ईअं चए त ग़लति फ़हमियूं हूंदियूं आहिनि, ऐं इहो लॻंदो आहे त हे माण्हू मूंसां प्यारु नथो करे, उहो माण्हू मूंसां प्यारु नथो करे, हिन माण्हू खे मूंसां मतिलबु न आहे, त इहा महज़ वरी आहे हिकिड़ी पंहिंजी दुनिया हूंदी आहे। हाणे ॿियो कीअं थो असांखे ट्रीट करे या असांजे बारे में छा थो फील करे, उहा वरी हिकिड़ी अलॻि कहाणी आहे। त कुझु बीमारियूं या डिप्रेशन जो घणो करे तालुक़ु हूंदो आहे जे नंढपण खां वठी इंसान खे अहिड़ियूं शयूं मिलंदियूं आहिनि ऐं वॾो थींदो आहे तॾहिं बि उहे शयूं पंहिंजी रुटीन सां हलंदियूं आहिनि पियूं, त उहो इंसानु डिप्रेशन में मुबतला थी वेंदो आहे। डिप्रेशन हिकिड़ो तमामु ख़तरनाक मर्ज़ु आहे जंहिंजे करे अॼुकल्ह तमामु घणा नौजवान ख़ुदकशी बि कनि पिया। त बराए महिरबानी, जॾहिं मां हमेशह चवंदी आहियां त प्यार सां मामला हल करे सघजनि था, जेकॾहिं प्यार ॾिजे, मुहबत ॾिजे, हिक ॿिए खे सम्झजे, त उहा तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। अॼु कोशिशि कंदासीं त कुझु बीमारियुनि जे हवाले सां ॻाल्हायूं, पर खाधे पीते जी ॻाल्हि बि ज़रूरी आहे। सुबुह जो जॾहिं वक़्तु हूंदो आहे त चांहि सां गॾु बिस्किट त लाज़िम हूंदा ई आहिनि, पर अॼुकल्ह ट्रेंड थोरो चेंज थी वियो आहे, तव्हां केक खाई सघो था। ऐं मां खे ॿुधाईंदी हलां त इंडर फूड वारनि जो केक अव्हांखे हिते नज़र बि अची रहियो हूंदो, तमामु बहितरीन आहे, तमामु सुठा हिन में फ्लेवर्स आहिनि, हिन में चॉकलेट जो फ्लेवर आहे जेको लाइट केक जे नाले सां मूंखे मिली वेंदो। उनखे अलावा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आहे, खोपरा फ्लेवर आहे, मिल्क फ्लेवर आहे, ऐं तव्हांखे कुल्फा फ्लेवर मिली वेंदो। जेको फ्लेवर अव्हांखे पसंदि आहे अव्हां उनजी चूंड करे सघो था, अव्हां जो इंतिखाबु करे सघो था, पंहिंजे ॿारनि खे ऐं पंहिंजे घर में अव्हां रखी सघो था। कल्ह मां टेस्ट कयो, यकीन कयो तमामु बहितरीन हुयो, ऐं जेको स्ट्रॉबेरी हुयो थोरो नरम बि हुयो ऐं ॾाढो हुनजो ज़ाइको बहितरीन हुयो। अव्हां इस्तेमालु करे सघो था, खाई सघो था, ऐं यकीन थी अव्हांखे ॾियारियां तव्हांखे हिन जो ज़ाइको तमामु घणो पसंदि ईंदो। सस्तो बि आहे, ईअं न आहे त सफ़ा महांगो आहे ऐं अफोर्ड नथो करे सघिजे, सस्तो आहे, ज़ाइकेदार आहे ऐं सिहत बख़्श आहे। सभ खां वॾी ॻाल्हि इहा त फ्रेश आहे, ईअं न आहे त तव्हां अक्सर इलाही ब्रेंड्स आहिनि जेके असां खाईंदा आहियूं त पोइ अजीब क़िस्म जी हिकिड़ी स्मेल पई ईंदी आहे, हिन में अहिड़ी का बि शइ न आहे। अव्हां भले आनो न बि खाईंदा हुजो तॾहिं बि अव्हां खाई सघो था, छो त हिन में इहा बि ख़बर नथी पए त आनो पियल आहे या न पियल आहे, जॾहिं त जेतिरियूं बि बेकिंग जूं शयूं हूंदियूं आहिनि उन में आने जो इस्तेमालु थियलु हूंदो आहे। त बहरहाल
तमामु घणो टेस्टी आहे, तमामु घणो सस्तो आहे। अवां पाण बि खाओ, पंहिंजे ॿारनि खे बि खारायो, ऐं असां हमेशह इन करे तव्हांखे सुठी क्वालिटी जा जेके प्रोडक्ट्स हूंदा आहिनि उन्हनि जे बारे में ॼाण ॾींदा आहियूं। त जे अवां लाज़िम आहे इंसान खे जेसिताईं ॼाण न मिलंदी, इंसान खे ख़बर न पवंदी, तेसिताईं हू नई शइ जो इंतिखाब पंहिंजे लाइ न कंदो। तव्हां नई शइ जी चूंड कयो ऐं अवां टेस्ट करे ॾिसो। इंटरफूड जो तमामु बहितरीन रियल केक आहे, अवां खाओ ऐं ॿारनि खे बि खारायो, इंजॉय कयो। ऐं ॿियो उहे बि अॼुकल्ह स्कूल में ॿारनि खे असां अहिड़ियूं शयूं ॾियूं था जेके सिहत जे लाइ बिल्कुलु बि ठीकु न आहिनि, त बहितरु आहे तव्हां पंहिंजे ॿार खे हिकिड़ी फारी, असां फारी चवंदा आहियूं सिंधीअ में, त हिकिड़ी फारी तव्हां केक जी ॾेई सघो था। उहा बिस्कुट जी फारी बि हूंदी आहे, त उहा पंहिंजे ॿार खे ॾेई सघो था, हुनजे टिफिन में विझी सघो था, हुनजे थेले में विझी सघो था, ऐं जॾहिं बि बुख लॻे त ॿारु खाई सघे थो। छो त अक्सर अॼुकल्ह असांजा जेके ॿार आहिनि उहे हिक ॿी ताईं घर पहुचनि था, ऐं सुबुह जो जेको जी जेका मानी खाई वञनि था उहा बि ठीकु आहे, पर वरी ॿारनि खे जल्दी बुख लॻंदी आहे। त इन करे अवां इंटरफूड जे हिन प्रोडक्ट जो इस्तेमालु करे सघो था, इंतिखाब करे सघो था। रियल केक आहे, लाइट केक आहे, डिफरेंट फ्लेवर्स आहिनि। फ्लेवर्स मां इन करे हर हर ॿुधायां थी छो त हर इंसान जो पंहिंजो मिज़ाज आहे, ऐं हर इंसान जो जी पंहिंजी चॉइस हूंदी आहे, पंहिंजो टेस्ट हूंदो आहे, ऐं हर इंसान चाहींदो आहे त अलॻि ज़ाइको हुजे, डिफरेंट ज़ाइको हुजे। त हिन में तव्हांखे मुख़्तलिफ़ फ्लेवर्स मिली वेंदा, अव्हां कंहिं बि फ्लेवर जो इंतिखाब करे सघो था। साई न वधंदासीं, ऐं साईअ खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त महिमाननि सां मुंहिंजी मुलाक़ात कराईंदासीं, ऐं अॼु हॾियुनि जे बीमारियुनि जे हवाले सां ई कुझु सर्जरीज़ जेके थियनि थियूं उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। अॼु को प्रोग्राम तमामु घणो ख़ासि आहे, मिस बिल्कुलु बि न कजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मिलूं था ब्रेक खां पोइ। Sun TV Network Mobile App. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app now. Munje Sun ke salam salam Sun. Munje Sun ke salam salam Sun. जी वी वटि सलाम सिंध में मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ वरी मां सभिनी खे भली कार चऊं था। ऐं जीअं त पंहिंजे प्रोग्राम जे आगाज़ में मां ॻाल्हि कई कुझु बीमारियुनि जे हवाले सां, त ॼाण ऐं अवेयरनेस जी तमामु घणी ज़रूरत आहे, ऐं हिन मुल्क में खोट बि तमामु घणी आहे। ऐं जेकॾहिं असां दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में हलिया था वञूं त उते वरी बि अवेयरनेस मिली वेंदी आहे, या हर महीने इंसान पंहिंजी चकास कराईंदो आहे त कहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जेके असांजे जिस्म में जनम वठनि पियूं, त उनखे वक़्त ते कंट्रोल कयो वञे। पर असां वटि जेसिताईं बाक़ाइदा मरीज़ खट ते न अची वेंदो, तेसिताईं मज़ा न डॉक्टर ॾे वञूं। ऐं जेकॾहिं वेंदासीं त उनखां पोइ वरी हूंदो आहे डॉक्टर चेक कयो, टेस्टियूं लिखी ॾिनई, ऐं वरी थोरो आफ़ाको विच में थी वियो त उहे टेस्टियूं नाहिनि कराइणियूं। जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो टेस्टियूं करायूं बि ऐं डॉक्टर चयो त बाबा ॿ टे विज़िट्स तव्हांखे करणा पवंदा, त हे डॉक्टर पैसा ठाहिणु थो चाहे, इन करे मां त हाणे ठीकु आहियां, मां हाणे हिन डॉक्टर ॾे न वेंदुसि। त इन करे जेकॾहिं डॉक्टर काई सलाह ॾिए थो, को मशवरो ॾिए थो, त बराए महिरबानी हुन ते अमल करे वठंदा कयो, छो त सवालु आहे अव्हांजे सिहत जो। उनखां पोइ अॼुकल्ह थोल तमामु घणी वधे पई, ऐं उनजे करे लाज़िम आहे तमामु घणियूं बीमारियूं बि वधनि पियूं, त थोल खे कीअं कवर कजे, कीअं कंट्रोल कजे, ऐं कीअं इन मर्ज़ खां, छो त इहो मर्ज़ु आहे अॼुकल्ह, इन मर्ज़ खां कीअं बची सघिजे थो, अॼु उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। त वेट लॉस सर्जन आहे असां सां गॾु मौजूदु डॉक्टर सैयद आसिफ़ अली। अस्सलामु अलैकुम, कैसे मिज़ाज हैं आपके? और थैंक यू सो मच, आपने ख़ासि टाइम दिया। ऐं मूंखे ॿुधाईंदी हलां त डॉक्टर साहिबु अॼुकल्ह हूंदा आहिनि पार्क लाइन हॉस्पिटल में। उनखां पोइ जे त मां शुरू में ॻाल्हि कई पंहिंजे प्रोग्राम जे, त हॾियुनि जा मर्ज़ अॼुकल्ह तमामु घणा वधंदा पिया वञनि, उन में काफ़ी शयूं आहिनि। जे त मां वाइटमिन डी जे डिफिशंसी जो ज़िक्र कयूं, काफ़ी डिफिशंसीस थियण जे करे इंसान जे हॾियुनि में तमामु घणो सूरु थियणु शुरू थी वेंदो आहे, ऐं इन जूं काफ़ी कॉम्प्लिकेशन्स बि हूंदियूं आहिनि। त इन करे वक़्त ते हिकिड़े बहितर ऐं सुठे डॉक्टर ॾांहुं वञणु बि तमामु घणो ज़रूरी हूंदो आहे। त अॼु हॾियुनि जो माहिर डॉक्टर असां सां गॾु मौजूदु आहे, अॼु हॾियुनि जे मर्ज़नि जे हवाले सां उन्हनि सां कचहरी कंदासीं। ऐं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में ऐं मेडिकल कॉलेज में उहे हूंदा आहिनि, उते माशाल्लाह पंहिंजो कमु कनि पिया। मोहम्मद अतर सिद्दीकी साहब, अस्सलामु अलैकुम, कैसे मिज़ाज हैं आपके? और थैंक यू सो मच, आपने भी ख़ास टाइम दिया, बड़ा अच्छा लगा। दोनों डॉक्टर्स काम के एक तरफ तो हड्डियां बड़ी जरूरी हैं, दूसरी तरफ इंसान मोटा हो जाए तो वैसे ही नहीं चल पाता। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, आप चूंकि सर्जन हैं, लेकिन उससे पहले ये बताएं कि मोटापे की वजह क्या होती है ज्यादातर, आजकल आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मोटापे की जो वजह है वो दो है, एक तो जेनेटिक है, जो फैमिली से, दूसरी है एनवायरमेंटल, माहौल से। अब माहौल की बात करें तो हमारे पास फास्ट फूड या शुगर कंटेनिंग फूड्स बहुत वाइडली अवेलेबल है, बहुत, आप फ्रिज खोलें और हर चीज़, फूड इज़ ईजीली एक्सेसिबल। तो जो भी हम कुछ खा रहे हैं वो कैलोरीज की
فارم میں ہمارے جسم میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے ایکسس. اگر ایک شخص کو 2200 کلو کیلوریز چاہیے دن میں اور وہ ایک میل میں اتنی پوری کر لیتا ہے تو جو ایکسٹرا کیلوریز ہیں وہ اس کے جسم میں چربی کی صورت میں ڈپازٹ ہو جاتی ہیں, جمع ہو جاتی ہیں, اور اس کا جو چلنا پھرنا ہے یا اس کی ایکسرسائز روٹین ایکٹیویٹی کچھ ہے نہیں, تو وقت کے ساتھ اس کا جو ویٹ ہے, جو وزن ہے, وہ بڑھنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اچھا, ویٹ جب بڑھتا ہے تو اس کے کانسیکوینس, اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ فارمس میں آتے ہیں. سب سے کامن چیز ہے ڈائبٹیز, بلڈ پریشر, ڈاکٹر صاحب جانتے ہیں, آرتھرائٹس, گھٹنوں کا پین, ٹھیک ہے, چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے. اچھا, وہ اتنا کم ہو جاتا ہے موٹاپے میں کہ کوئی اپنے جوتے کے تسمے تک باندھنے میں اس کو مشکل ہوتی ہے, اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشکل ہوتی ہے, کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. تو یہ وجہ, ابھی ہم یہ کہیں گے کہ جو کھانے کی چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں ہم وہ بغیر سوچے سمجھے اور ان کو استعمال کرتے ہیں جس سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے. اور لائف سٹائل جو آج کل ہو گیا ہے کہ صبح کا ناشتہ نہیں کرنا, دوپہر کا کھانا, پھر رات کا تو ڈٹ کے کھانا ہے, اس کے بعد سو جانا ہے, بالکل, تو کیا یہ وجوہات بھی ہیں؟ دیکھیں, دوبارہ کیلوریز کی بات ہے, رات کو اگر آپ نے ہیوی میل لے کے سو گئے تو وہ جتنا آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, وہ 12 گھنٹے جو ہے وہ آپ نے صرف بستر پہ گزارے, تو سارا کا سارا جو ڈائجیشن ہے وہ پروسیس بھی ڈسٹرب ہوتا ہے, اس کی وجہ سے تیزابیت کا ہو جانا یہ بھی بہت کامن ہے. تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کھانا رات کا جو ہے یو ایٹ ایز اے, جیسے فقیر کھاتے ہیں بیگرز, بہت کم آپ نے کھانا ہے, بالکل, ہے نا, اور تاکہ آپ کا جو رات والا وہ ہے وہ آرام کا وقت ہے تو اس میں آپ نے کم, تو یہ بالکل اس کی ایک وجہ ہے. ٹھیک, اور ہمارے کیا ہوتا ہے کہ رات کا کھانا جو ہے وہ رات کے 12-1-2 یہ آج کل ٹائم ہو گیا, اس سے پہلے ہمارا کھانا ختم نہیں ہوتا, ورنہ اس سے پہلے 6-7 بجے کا ٹائم ہوا کرتا تھا, اس کے بعد پھر تھوڑے کام کاج کر لیے تو وہ چیزیں ہضم ہو جاتی تھیں, اب آپ کھائیں گے 2 بجے, اس کے بعد پھر آپ نے سو جانا ہے, تو موٹا پتہ ہوگا اور مزید کمپلیکیشنز پر ہم بات کریں گے. لیکن ہڈیوں کے امراض بھی سر آج کل بہت زیادہ کامن ہے. ایک تو میں نے کہا کہ ایج فیکٹر کی وجہ سے جب آپ 55 سے کراس کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ویسے ہی شروع ہونا شروع ہو جاتی ہیں, لیکن آج کل چھوٹے بچے, نوجوان, یونیورسٹی جانے والے نوجوان, ان میں بھی یہ امراض بہت ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں, لائف سٹائل جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں کا باعث ہے, بہت سارے امراض کا باعث ہے. موٹاپا اپنی جگہ ہے اور یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. موٹاپا, لیک آف ایکسرسائز, لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی, شہری زندگی میں اب لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس فزیکل ایکٹیویٹی کا ٹائم نہیں ہے. فزیکل ایکٹیویٹی اگر کرنا بھی چاہیں تو جگہ نہیں ہے, بالکل پارکس نہیں ہیں, واکنگ ٹریکس نہیں ہیں, لوگ انڈور جمس میں جاتے ہیں جو کچھ جاتے بھی ہیں. انڈور جمس میں جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ بہرحال نیچرل ایکسرسائز کو ریپلیس نہیں کر سکتی, سن لائٹ ایکسپوجر نہیں ہے, تو یہ تمام چیزوں کی وجہ سے اب ہم بھی بہت کامنلی اگر آپ کسی بھی آرتھوپیڈک کلینک میں جائیں تو 50% جو پیشنٹس ہوتی ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں, ہاؤس وائفس, اور ان کے ساتھ ایکچولی کوئی پرابلم نہیں ہوتا. آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں وائٹمن ڈی کی بات کی تھی. وائٹمن ڈی ہمارے یہاں ایک فیشن بھی بن گیا ہے کہ وائٹمن ڈی ریپلیس کرنا ہے, وائٹمن ڈی ریپلیس کرنا ہے, اوور دا کاؤنٹر بھی اب وائٹمن ڈی ریپلیس ہو رہا ہے. مریض ہڈیوں میں درد ہوتا ہے وہ خود ہی جا کے وائٹمن ڈی لے کے خود ہی میڈیسن لے لی یا کچھ اس طرح کی چیزیں, بٹ دا تھنگ از کہ جو کمبائنڈ ریزنز ہیں ان کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا, اور موسٹ آف دیز ویمن, زیادہ تر یہ خواتین جو ہے ان کے ساتھ پرابلم ہے لیک آف فٹنس. ٹھیک, چلیں اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں. کالرز آج زیادہ ہوں گے اور کالز آج ہم لیں گے تاکہ کچھ مسائل اگر ان کے ساتھ ہیں تو ان کا بھی حل آپ سے پوچھ لیا جائے. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی, کیا ہے کہ میں نے تھوڑا سا زیادہ انتظار کروا دیا جس کے لیے آپ سے معذرت چاہوں گی. آپ پھر سے کال کر سکتے ہیں, ابھی آپ کے پاس کافی ٹائم ہے. جی سر, تو خواتین کی بات ہو رہی تھی. جی, تو ہمارے پاس جو زیادہ تر پیشنٹس ہیں وہ آرتھوپیڈک کلینکس میں بھی اب خواتین آتی ہیں who have their major issue is early arthritis, obesity, لیک آف فزیکل فٹنس, آسٹرومیلیشیا جو کہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے اب ہم بہت کم عمری میں, یعنی 40 سال کی عمر میں, 35 سال کی عمر میں بھی ڈی جنریٹو آرتھرائٹس دیکھنا شروع کر رہے ہیں, بیکاز دیر از جنرل لیک آف اویئرنیس اور بون ہیلتھ, فزیکل فٹنس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا. ہڈی رسپونڈ کرتی ہے, جو سب سے اچھا ٹونک ہے ہڈی کے لیے وہ ہے فزیکل ایکسرسائز یا لوڈنگ. اگر آپ اس ہڈی کو لوڈ نہیں کریں گے تو آپ کچھ بھی کھا لیں, پی لیں, یا کتنے بھی سپلیمنٹس کھا لیں, وہ ہڈی ہیلدی نہیں ہوگی.
और वो बिल्कुल आपने सही कहा कि जैसा इससे पहले हमारे पास एक डेंटिस्ट थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा दांतों को तो हम कुछ समझते ही नहीं है, तो वही वाली बात आ गई कि हड्डियों को भी हम कुछ नहीं समझते, हालांकि ये दोनों जो चीज़ें होती हैं वो बहुत खास होती हैं। बहरहाल कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो टीवी जो आवाज़, टीवी जो आवाज़ जो ठीक अदर टीवी जो आवाज़ कुछ घटायो तो ना पोए सुकून सा कचहरी के। हेलो बिल्कुल ही बैठा है जी आवाज़ जी। हाने बुधायो छा था पूछन चाहे। मुखे गोदन में सूरा बिन सालन को वठी बिन सालन का वठी गोदन में सूरा है। गोदन में सूरा उतर में हाने में तकलीफ थी दे दादी मां के। ठीक चकास कराई है दादी? दवा भी खा दी दम डॉक्टर ने भी दिखा रे तब ना हकी मन के भी डॉक्टर साहब जो ना दिया जो मुख खत्म थी गयो। ठीक सिर में घुटनों में दर्द भी मुझे वधिका है। उम्र क्या है? उम्र केतरी है माजी? उम्र मुझे 60 पूरो थो दी। बस 60 जनवरी में 60 पूरी थी दी। ठीक 60 इयर्स जी। ठीक है देखिए आपके घुटनों में जो दर्द है आपकी उम्र के हिसाब से चांसेस ये हैं कि आपको डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है या उम्र के साथ साथ जिसको जोड़ों का घिस जाने का मर्ज कहते हैं। इसको हम उमूमन तीन कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, इब्तदाई, दरमियानी और इंतहाई सिवियर। जो इंतहाई है उसका इलाज तो ऑपरेशन है। अभी आपके आप मेरी तजवीज ये होगी कि आप किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं अपने करीब में ताकि वो आपके एक्सरेज करके देख सके और आपका मुआयना करके देख सके कि आपकी कंडीशन कितनी सिवियर है और उसके हिसाब से आपको इलाज तजवीज कर सके। शुरू में इलाज इसका दवाइयों से और अगेन वर्जिश से किया जाता है। मैं बार बार वर्जिश के ऊपर इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि वो आपके पट्ठों को मजबूत करने में काम आएगी ताकि आपके घुटने के ऊपर प्रेशर कम रहे। थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी उसके साथ चलती हैं। अगर उससे नहीं रिस्पॉन्ड करता तो फिर अगला स्टेप में कुछ बाज़ोकात घुटनों के अंदर इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शंस होते हैं मुख्तलिफ अकसाम के, उससे अफाका हो जाता है। मगर ये तमाम चीज़ें आर्जी होती हैं। हतमी तौर पे आप ये याद रखिए कि ये चीज़ क्योरेबल नहीं है, ये जड़ से नहीं ख़त्म हो जाएगी। इसको हम कंट्रोल करते हैं, आपका पेन मैनेज करते हैं जब तक कि ये इतना खुदा ना खास्ता ख़राब ना हो जाए कि आपको जोड़ की सतह की तब्दीली के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। ठीक उम्मीद है तुम्हें जवाब मिली वो होंद वही मेहरबानी उही सलाह अगर डॉक्टर साहब दिनी तो कें सुठे डॉक्टर का चकास करा तो मर्ज़ है जो तो बिन साल है बर मेहरबानी इन विच में जो अस घरेलू इलाज कह उन इलाज का परहेज करो छो तो एज फैक्टर भी है उनखा वही ये मर्ज अजकल पाकिस्तान में तमाम घना कॉमन थी वन। वापस आते मोटापे की तरफ, एक तो हो गया कि हम बड़े हैं लाजिम सी बात है लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं हमारे, लेकिन बच्चों में भी आजकल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह दोबारा वो खाने की चीज़ें हैं जो जैसे 4 साल का बच्चा आजकल माशाल्लाह इतने मोटे जैसे ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं और दूसरी ड्रिंक्स हैं जिसमें इतना ज़्यादा शुगर कंटेंट है कि वो बच्चे उससे एडिक्ट हो चुके हैं, उनको आदी हो चुके हैं। फिर फ्रेंच फ्राइज, डीप फ्राइड चीज़ें बहुत कॉमनली बच्चे खाते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ओबेसिटी अब जो है वो बचपन ही से स्टार्ट हो जाती है और जब वो अडल्टहुड में जाते हैं तो कोई ना कोई डायबिटीज़, हाइपरटेंशन से ऐसी बीमारियों से लाहक हो जाते हैं मोटापे की वजह से। इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊँ कि अब WHO ये कहता है कि लोग बहुत कम हो जाएंगे आने वाले सालों में जो भूख के ना, खुराक के ना होने से मरें बल्कि मोटापे के होने की वजह से ज्यादा अमवात हो रही है। तो मतलब अब जो है वो चीजें चेंज हो जाएंगी एकदम से। सही, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। तो अब कोशिश करनी चाहिए कि कम खाए, में तो ये महीना खाने का है तो अब मना नहीं कर सकते शादियों का। शादियों का और बताए इस सीजन में तो भाई आप कुछ भी कर लें, कितना भी मना कर लें, इस सीजन में कोई अपने इस आदत को काबू नहीं करेगा और खाने पीने के मामले में वो यकीनन अपने हिसाब से ही खाएंगे। बहरहाल अक्सर लोग इतने ज्यादा मोटे हो जाते हैं कि सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है उनको, तो वो क्या कंडीशंस होती हैं जिनमें कि आप सजेस्ट करते हैं कि सर्जरी को हम कब जरूरत पड़ती है उसके लिए BMI बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा मेजरमेंट टूल है जिससे हम ये डिटरमिन करते हैं कि इसको किस ट्रीटमेंट की जरूरत है। कोई भी BMI जो 35 से ऊपर हो, अच्छा 30 BMI जो है, जो 30 BMI जिसने क्रॉस कर लिया वो मोटापे की कैटेगरी में आ जाता है। जो 35 से ऊपर चला गया वो कैटेगरी 2 है और फिर 3 आफ्टर 40।
कोई भी शख्स जो 35 BMI है और उसको शुगर या ब्लड प्रेशर है तो मॉर्बिड ओबेसिटी कहलाती है, और उस ओबेसिटी पे उसको सर्जिकल ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अगर वो नहीं लेता तो वक्त के साथ उसका वेट भी बढ़ता है और जिससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है वो भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ, बास खवातीन आती हैं जो जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसीज रही हैं, 5-6 बच्चे हुए, 5-4, और उनको सैगिनेस होती है। ठीक है, उनका जब BMI कैलकुलेट करते हैं तो BMI उनका 30-31 आता है, जो समझे कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, लेकिन उनका मेजर कंसर्न वो ये समझती हैं कि ये सर्जरी से मोटापे की सर्जरी की ज़रूरत है, जबकि उनको सिर्फ पेट को कॉस्मेटिक सर्जरी की ज़रूरत होती है सैगिनेस के लिए, उनको मोटापे की सर्जरी, तो ये बहुत कॉमन है। और दूसरा ये कि लोग वेट लॉस सर्जरी को आम तौर पे एज अ कॉस्मेटिक सर्जरी लेते हैं कि शायद ये हम ये करवाने से इट्स नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी, इट्स अ सॉल्यूशन टू ओबेसिटी जिससे वजह से आपकी कॉम्प्लिकेशंस ठीक हो जाएंगी। हैरत की बात ये कि जो डायबिटीज़ इनको हाइपरटेंशन है, सर्जरी के बाद ये सारी चीज़ें लोग बाज़ लोग दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं ब्लड प्रेशर की और शुगर की, वो मतलब इतने ठीक हो जाते हैं। सही कहा आपने। वैसे क्या है कि आजकल फिल्म स्टार्स को देख देख कर ना वो जो जीरो फिगर वाला कॉन्सेप्ट है वो अभी तक वही है, भाई खुश रहना सीखें, अपने आप जैसे भी हैं बहुत प्यारे हैं बहुत अच्छे हैं, तो बिलावजह की चीज़ों से बचें। बहरहाल गाल बोल के असा वधीक अगते वधाईंदासीं, अमां कॉल्स करे सघूं था ऐं हॾियुनि जो जेकॾहिं का हॾीअ जी बीमारी आहे उन हवाले सां या मोटापे जो शिकार आहे हो तॾहिं बि अमां कॉल करे सघूं था। अव्हांखे मशवरा अॼु हिते बिल्कुलु ॾींदासीं कार्डिम नवनि जो, ॾिसंदा रहिजो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। Sun TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app now. Munje sindh ke salam salam sun. Munje sindh ke salam salam sun. जी वीवर सलाम सिंह में वरी अवां के भली कार चऊं था। मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं ऐं अॼु हॾियुनि जी बीमारियुनि जे हवाले सां ऐं थोल जे हवाले सां असांजी ॻाल्हि ॿोल जारी आहे। अवां बि कॉल्स करे सघो था, ख़ासि करे असांजो जेके भेनरूं आहिनि जेके घरनि में पंहिंजे घर में कमकार कनि थियूं ऐं घरेलू ज़िंदगी गुज़ारनि थियूं, त उन्हनि में अॼुकल्ह थोल जो बि मसइलो तमामु घणो आहे ऐं जोड़नि में सूर जी शिकायत बि तमामु घणी आहे, त पोइ अवां कॉल करे सघो थियूं जेकॾहिं अव्हांखे बि को अहिड़ो मसइलो आहे। सर, एक और चीज़ जो कि पाकिस्तान में चूंकि अवेयरनेस हेल्थ के हवाले से इस तरह के कोई शोज़ नहीं होते, कोई मतलब अगर कोई इवेंट्स होते हैं अवेयरनेस के हवाले से तो वो किसी बड़े बड़े होटल्स में होते हैं, आम लोग जो हैं वो बेचारे वहीं रह जाते हैं, तो उनको नहीं पता कि वेट लॉस सर्जन का क्या काम है, और औरतों के हवाले से अगर कोई डॉक्टर काम कर रहा है तो उसकी क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ तो नुक्कड़ पर जो क्लिनिक मिली वहीं पहुँच जाना है। कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं बल्कि इसको एक स्टेप आगे लेके जाना चाहूँगा। नुक्कड़ पे क्लिनिक तो आपने, अगर वहाँ भी पहुँच जाए मरीज तो बहुत अच्छी बात है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एक हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ख़ास तौर पे इस सूबे में शायद दूसरे सूबों से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और वो है कुम्हार। हमारे यहाँ अगर आप कराची शहर से बाहर निकल जाएँ सिंध में, हैदराबाद और दीगर बड़े शहर जो हैं नवाबशाह, लाड़काना, सखर, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की तादाद है वहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से वो नाकाफी है। वही बात है, वही मैंने कहा कि लोगों को पता ही नहीं कि हड्डियों के डॉक्टर्स भी होते हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि लोग वहाँ जाके प्रैक्टिस इसलिए भी नहीं करना चाहते, वहाँ पे अगर किसी को कोई फ्रैक्चर हो जाए, देखें एक बहुत कॉमन या ब्रेड एंड बटर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी इज ट्रॉमा, फ्रैक्चर सर्जरी। अब फ्रैक्चर सर्जरी के लिए प्रॉब्लम यह है कि लोग पहले जाते हैं कुम्हार के पास या पट्टी वाले के पास। ये सिर्फ इंटीरियर सिंध में नहीं है, ये कराची शहर में भी है, पूरे सिंध में, इस सूबे में बहुत बड़ा मसला है। बहुत सिंपल चीज़ें जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन प्लास्टर के थ्रू ट्रीट कर सकता था, जिसको शायद सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं थी, वो इन कुम्हारों के हाथों में ख़राब हो जाते हैं, लिम्स टाइट बैंडेज करके सर, सर, इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। माजद के साथ आपकी बात काट रही हूँ, कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे काके बोल रहा हूँ, मारू काके बोल रहा हूँ, गुड़िया से उनको बोला है। जी जी, छा था पूछना चाहिए? मुझे सवाल है डॉक्टर साहब को, मुझे बुधन पा या तवा के जैसे तवा ट्रांसलेट कर दो उनके उर्दू में। सॉरी, अवां जी गाल समझ में कोन आई, थोरो बी रिपीट कजो। दरअसल मैं डॉक्टर साहब को एक सवाल कर जाऊं हडन के बारे में।
तो तव्हां खां पुछां, तव्हां हुनखे ट्रांसलेट कंदव या उर्दू में मां हुन सां लाइव ॻाल्हाए सघां? उहो जी जी, अवां उर्दू में जेकॾहिं लाइव डॉक्टर साहब सां ॻाल्हाइण चाहियो ऐं पंहिंजो मर्ज़ हुननि सां डिस्कस करण चाहियो त करे सघो। जी डॉक्टर साहब, आपसे जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं आमिर बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जब मैं रात को सोता हूँ तो पीछे हड्डियाँ जो ना वो बहुत दुखती हैं, जो कमर दर्द जिस तरह होता है, तो फिर वो सुबह होता हूँ फिर वो कोई भी नॉर्मल होती है। रात सोने के वक्त इस तरह थकावट होती है ना कि बस ऐसे करवट बदलो फिर थकावट महसूस होती है, फिर इस तरह करो डाला कि कोई कामकाज नहीं है, सारा दिन फ्री रहो, तो इसकी वजूहत क्या है और उसका हल क्या है अगर आप मुझे बताए? मैं आपको पूरे जिस्म में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है? नहीं, सिर्फ ये कमर दर्द जिस तरह ना पीछे के वहाँ हड्डियों में जो होता है ना दर्द, फिर उस तरह होता है सोने के टाइम पे, बाकी तो नॉर्मल, अगर घूमना फिरना गाड़ी ड्राइविंग ये इसमें कोई वो इशू नहीं। और आपकी उम्र क्या है? 26 है। देखें अगेन, क्योंकि ये जनरल हम बात कर रहे हैं, मैंने आपका मुआयना तो किया नहीं है, मगर जनरली स्पीकिंग आपके एज ग्रुप के अंदर जो कॉमनेस्ट कॉज है, सबसे आम वजह कमर दर्द की, वो मैकेनिकल बैक पेन या पोजिशनल बैक पेन या पोस्चुरल बैक पेन हम कहते हैं, जिसका ताल्लुक आपके बैठने उठने की पोजिशन, किस पोजिशन में आप अपने बैक को मेंटेन करते हैं, सोने की पोजिशन, आपके काम काज वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसके रीजन्स हो सकते हैं। पहली चीज तो उसमें, उसके इलाज में ये जरूरी होता है कि वो रीजन आइडेंटिफाई किया जाए जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। उसके लिए ऑब्वियसली आपको अगेन किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपकी लाइफस्टाइल, आपके दिन भर के मशागल क्या हैं जिसकी वजह से आपको हो रहा है। कुछ लोगों को पॉस्चर, मगर मैं उसके कॉमन रीजन आपको हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो हमारा ये स्लाउच करके बैठना, बैक को स्ट्रेट करके नहीं बैठना, और उसकी वजह ये सोफे हैं। पहले जमाने में ये इतने कंफर्टेबल सोफे नहीं हुआ नहीं करते थे, तो सीधी-सीधी चेयर्स होती थी, सीधी चेयर्स पे लोग बैठते थे। एक तो ये हमारा रीजन है, दूसरा हमारा स्क्रीन यूज एक बहुत बड़ा रीजन है। सेलफोन देखते हुए भी हम ऐसे बैठे होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता दस से चले जाते हैं। बेड पे लेट के टीवी देखना उमूमन ये कॉजेज हैं। स्टूडेंट्स के लिए यूजिंग टेबल्स एंड चेयर्स, नॉट सिटिंग इन प्रॉपर पोजिशन, बेड के ऊपर बैठ के पढ़ना, नीचे कालीन पे बैठ के पढ़ना, वो पूरे झुके यूं लिख रहे होते हैं जी, तो ये उमूमन कॉजेज होते हैं। ठीक, आपके केस में क्या कॉज है ऑब्वियसली आपको खुद देखना भी पड़ेगा। राइट, तो ऑब्जर्व करें कि आप जो डॉक्टर साहब ने पोजीशन बताई है बैठने की, कहीं वो मसला तो नहीं आपके साथ। बहरहाल एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब जी जी, ब डॉक्टर मौजूद आहिनि, हिकिड़ो हॾनि जो माहिर डॉक्टर आहे, ॿियो वज़न घटाइण जो माहिर डॉक्टर आहे। जी जी बिल्कुल, सवाल कयो। ॾेढ साल पहिरीं जेको एसआईटी में मुंहिंजी डायलिसिस थी, एसआईटी खां पोइ मुंहिंजा जेके एंकल जॉइंट जेके आहिनि, ॿई जेके आहिनि न, उहे ॾाढो पहिरीं स्वेलिंग करे या पोइ तकलीफ़ उनमें थींदी हुई। पोइ मां मुख़्तलिफ़ कराची में आर्थोपेडिक जेको आहिनि, सर शाह साहिबु आहे, हैदराबाद में डॉक्टर ख़लीक सिद्दीकी आहे, सईद अहमद समो साहिबु आहे, पर एंकल जॉइंट जी मुंहिंजी प्रॉब्लम थी वञे कोन थो। मां चयो त डॉक्टर साहिब जी लाइन ते आहिनि, उनखां कंसल्टेशन। मुंहिंजी एज अॼु 52 ईयर आहे। ठीकु आहे, 52 आहे, अवां लाइन ते ई रहो। डॉक्टर साहिब कुझु पुछणु चाहींगी कि इनकी डायलिसिस हुई थी, देन एंकल जॉइंट का पेन नहीं जा रहा, एंकल जॉइंट पेन नहीं जा रहा, अदा सूर है या स्वेलिंग है? ना, अदी सूर तमाम सीवर थे, पर पेन डॉक्टर जो एमआरआई आई जो को सिटी स्कैन के मुताबिक चोना ता पेन दी जी की हड्डी आ ना वो भजी टुकुर टुकुर थी गया, जरा जरा थी हड्डी। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि टूट गई, इनको सीवियर पेन होता है। डायबिटिक है? डायबिटीज आ है, ताकि शुगर जो मर्ज आ है। जी 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 जी, डायबिटिक भी है, 52 इयर्स इनकी एज। अगेन मैं दोबारा ये कहूँगा, क्योंकि मेरे सामने आपका एक्सरे नहीं है ना मैं आपका पैर देख सकता हूँ, मगर जो आप बता रहे हैं उमूमन डायलिसिस के पेशेंट्स जो डायबिटीज जिनको होता है, हड्डी टूट जाना या बिखर जाना, इसको हम शार्को जॉइंट भी कहते हैं। इसकी मेन वजह बाज़ोका चोट भी होती है, कभी चोट लगी हो या छोटा मोटा फ्रैक्चर हो गया हो, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट्स को पता नहीं चलता, पैर में दर्द नहीं होता, फील नहीं, क्योंकि सुन हो जाते हैं पैर, उसकी वजह से आपको पता नहीं चलता, किसी वक्त चोट लग जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही चीज शार्को जॉइंट को जन्म देती है। इसके अंदर मेन प्रॉब्लम होता है कि आप
आपके पैर की जो पोजिशन सेंस है, आपके दिमाग के अंदर जहां पे आपके पैर की पोजिशन का सेंसरी एरिया है, वो मैकेनिज्म खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार छोटे मोटे ट्रॉमा, और आप चलते हुए आपका पैर भी सही नहीं पड़ रहा होता। शार्को जॉइंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि काफी मुश्किल है इसको ट्रीट करना, स्पेशली क्योंकि कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत ज्यादा है। अच्छा। अगर इसकी सर्जरी की भी जाए, अगर टखने में इतनी तकलीफ है तो फ्यूजन की कोशिश की जा सकती है। फ्यूजन कहते हैं उस जोड़ को खत्म कर देना और ऊपर और नीचे की हड्डी को यकजान कर देना, बट अगेन वो भी एक कैलकुलेटेड डिसीजन होता है ये देखने के लिए कि उस मरीज में किया भी जा सकता है कि नहीं। ठीक। और फिर एज भी लाजमी है, 52 डायलिसिस पे होना, शुगर, ये तमाम चीजें रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन की भी और हड्डी ना जुड़ने की भी। तो ये दोनों कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके इंडिविजुअल केस के बारे में बेहतर बता सकते हैं कि आप कैंडिडेट हैं भी उस सर्जरी के कि नहीं। राइट। पर आप लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड कॉलेज में होते हैं तो वहाँ आपसे भी मुलाकात की जा सकती है अगर करना चाहें तो। वेल, डॉक्टर आसिफ अली संजगद मौजूद है। अक्सर ये भी लेकिन उससे पहले कॉल लेना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, केर पे गलायो जी, थोड़ो तेज आवाज में जेकने गाल हन जी, कोशिश कनो तमा जो आवाज असन तई बेहतर पहुंचनो। ए वाइज बारी जो बिठाई में जी, छा सवाल है मान जो, छा था पूछना चाहो? डॉक्टर थर्ड जी की तई ये तो मुई वालदा में जोड़न में सूर रहे तो। अब वालदा के जोड़न जो सूर रहे तो, वालदा जी उम्र केतरी है? उम्र 60 साल का हुंदी। 60 साल का मथे आहे का बीमारी या को बियो मसलो? उन जो जोड़न जो मसलो ये थे उसमें बीमारी तब कौन वो लोग मांग मैदे जी तकलीफ है हो थे तो सब मोटा बोगस मोटा तो है। ठीक। अच्छा वजन, वजन, वजन भी तमाम घनो आ? वजन नॉर्मल है, तो बोलो 80 केजी में या 70 कर देंगे। सही। बहरहाल मतलब हेल्दी है जी, माना सेहत चंगी है उन्हें जी। अच्छा तो मैदे जी मसलो तो आए ना दवा यूज करे थी। ठीक है। खास जोड़ में दर्द है या बहुत सारे जोड़ों में दर्द है? अच्छा के हिकड़े खास जोड़ में ओ लाइन ड्रॉप हो गई। वेल 60 के बाद तो फिर सारे जोड़ बेचारे टूटना बिखरना शुरू हो जाते हैं। कि मोस्ट कॉमनली इस एज में घुटनों का आर्थराइटिस हमारे यहाँ कॉमन है, खास तौर पे जब इन्होंने कहा कि वजन भी ज्यादा है। और हम, मैं और डॉक्टर साहब जो एक चीज शेयर करते हैं, हमारे भी काफी मरीज जो के BMI का जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, जिनको जोड़ों का आर्थराइटिस होता है, मैं पिछले कॉलर के उसमें वो मैंने नहीं कहा कि वेट लॉस भी एक बहुत अहम उजू है इसकी ट्रीटमेंट का। इसको मरीजों को हम आमतौर पे इस तरह समझाते हैं कि देखें, अल्लाह ताला ने आपके जोड़ बनाए थे नॉर्मल वेट उठाने के लिए। नॉर्मल वेट कहते हैं हर हाइट के हिसाब से एक वेट होता है, एक वेट होता है कि इतनी हाइट पे ये वेट रेंज होनी चाहिए, इतने से इतने केजी के बीच में आपका वजन होना चाहिए। अगर आपका वजन उससे ज्यादा है तो इसकी मिसाल एक गाड़ी के टायर से दी जा सकती है, जितना लोड गाड़ी पे होगा उतना ज्यादा टायर वेयर आउट होगा, घिसेगा। तो अगर जोड़ के ऊपर वजन ज्यादा है और आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ मसल्स कमजोर हो जाते हैं, तो मसल्स कमजोर हो जाते हैं, वजन बढ़ता रहता है, वो जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से आर्थराइटिस प्रमोट हो जाता है। चले एक और कॉलर मौजूद है और आपके लिए कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नालो बुधाए जो पांजो। जी मुझो नालो यासिर है, मैं जेका बार गलवा तो वजन मुझो वधिक थी वा, मैं जिला डॉक्टर साहब को पूछना तो चाहे। जी डॉक्टर साहब से डायरेक्टली कहां गलाए सको था जी? डॉक्टर आसिफ जी बस वेट बहुत ज्यादा है इनका। कितना वजन है आपका? मेरा वजन 140 किलो है, मेरी उम्र 35 साल है। 35 35 1। अच्छा आपको शुगर, ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर है, शुगर नहीं है। शुगर नहीं है, ठीक है। अच्छा अब देखें, इसमें हमने BMI जो कैलकुलेट करते हैं वो तो नहीं कर सकते, आपकी हाइट हमें मालूम नहीं है, लेकिन आपकी एज है 35, 140 आपका वजन है और आपको डायबिटीज भी है। तो ये मॉर्बिड ओबेसिटी जो मैं समझ पा रहा हूँ, दिस इज मॉर्बिड ओबेसिटी, इसका मतलब ये है कि वो मोटापा जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। तो जैसे एज बढ़ती है वजन और बढ़ता है और उसके साथ दूसरी जो पेचीदगियां वो भी आ जाती हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को एक दफा किसी को दिखाएं ताकि वो आपको पूरा अच्छे तरीके से आपका मुआयना कर सके, आपके टेस्ट कर सके और फिर ये फैसला कर सके कि हम क्या प्रोसीजर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक दफा इनको जरूर डॉक्टर को आना चाहिए क्योंकि इस एज में इतना वजन और डायबिटीज ये अच्छी अलामत नहीं है। ठीक।
अच्छा, एक और सवाल जो कि मैं करना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारे नौजवान जब एन्जाइटी का शिकार हो जाते हैं तो वो कहते हैं हम मोटे हो रहे हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, तो क्या एन्जाइटी या डिप्रेशन में जाना ये वजूहत भी मोटापे की हो सकती है? देखिए, डिप्रेशन एन्जाइटी में बाज लोगों की टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा खाते हैं, हर कोई नहीं, हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा खाते हैं कुछ लोग, हाँ, और ख़वातीन में ज़्यादा। अब होता ये कि जो डिप्रेसिव फेज से गुजर रहा है अब उसको कुछ ना कुछ वो ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, अब वो घर में अगर कोई चॉकलेट या मीठा पड़ा है या कोई डीप फ्राई चिप्स है, कुछ भी चाहिए, बिल्कुल, तो वो डिप्रेसिव फेज में जिसने जिनकी टेंडेंसी है ज्यादा खाने की वो ज्यादा वजन अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, और बिल्कुल ये एक वजह होती है, राइट। तो अच्छा, इससे लाजिम सी बात है कि एक इंसान को आदत है कि अगर डिप्रेशन में हो उसको खाना ना मिले तो वो शायद और भी ज्यादा खराब कंडीशन में जा सकता है, तो क्या वजह होती है इसके पीछे कि वो इंसान ज्यादा खा रहा है? कुछ लोग तो बिल्कुल छोड़ देते हैं। देखें, वही दो चीज़ है ना, एक डिप्रेशन में मरीज बिल्कुल नहीं खा रहा और एक में ज्यादा खा रहा है, ठीक है, आप डिप्रेशन ट्रीट कीजिए, आप डिप्रेशन का इलाज करवाएं ताकि वो डिप्रेशन ख़त्म हो और उसकी वजह से जो वेट गेन हो रहा है वो भी ऑब्वियसली बंद हो जाएगा। हर मरीज़ को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और उनके जो जिस वजह से ये प्रोसेस हो रहा है अगर उस प्रोसेस को रोक दें तो हो सकता है उनको मोटापा भी उधर रुक जाए। ठीक, सो चलें ये भी बात है, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है कि कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल खाना बंद कर देते हैं, कुछ लोग हैं जो कि वो कहते हैं कि हमें रात को 2 बजे भी कुछ चाहिए, वो टेंशन में जब होते हैं उनको खाना, हाँ, तो उस वजह से अब काफी लोग इस वजह से भी बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं ज्यादा खाने की वजह से। अच्छा, एक वजह मोटापे की आपकी बात कर रहा हूँ और है डाइटिंग। देखें, एक ट्रेंड होता है कि आपने जीरो फिगर की वो बात की, ठीक है, अब कोई अपने आप को इमेजिन करता है और वो समझता है कि मुझे इस ऐसी एक बॉडी शेप चाहिए, अब उसके लिए वो कोशिश करता है, वो डाइटिंग करता है। अच्छा, डाइटिंग का मतलब ये कि आप अपने आप को स्टार्व कर रहे हैं, आपके पास खाना मौजूद है लेकिन आप खा नहीं रहे, अपने आप को रोका हुआ है। अब होता क्या है कि वो अपना कंट्रोल जो है वो आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक कंटिन्यूस करते हैं जिसमें वेट रिड्यूस होता है, लेकिन वो चूंकि हार्मोन्स हमारे बॉडी में ऐसे होते हैं जो एपेटाइट को इंक्रीज कर रहे होते हैं, भूख को, तो वो आप गिव अप कर देते हैं एक पॉइंट पे आके। जब आप गिव अप करते हैं तो जो खाने की चीज़ें फिर आप जो खाते हैं उससे वेट दोबारा आपका बढ़ता है। अगर आपका वेट लेट से 90 kg था, आपने कम करके 85 किया, अब आप खा के 100 पे पहुंच जाएंगे, इसको यो-यो डाइटिंग बोलते हैं, ठीक है, तो डाइटिंग जो है वो सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, एक माजिद के साथ आपकी बात कर रही हूँ, एक चीज मैं इसमें इजाफा करना चाहूंगी, हमारे यहाँ डाइटिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि आपने गंदम का आटा बिल्कुल नहीं खाना, आपने वो हर वो चीज जो कि जैसे बीफ नहीं खाना, चिकन नहीं खानी, फिश नहीं खानी, तो ये सारी चीजें भी जब हमारी गिजा से आउट हो जाती हैं तो लाजम सी बात है डिफिशियंसीज का होना तो कॉमन सी बात है फिर। तो डाइट का क्या, आप डाइट को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डाइटिंग के लिए बेहतर ये कि डाइटिशियन से मुलाकात करने के बाद डाइट स्टार्ट की जाए, अपने खुद से स्टार्ट ना करें। हेल्दी न्यूट्रिशन फूड आपका होना चाहिए जिसमें सारे मिनरल्स और विटामिंस मौजूद हों। खुद से डाइटिंग छोड़ देना, स्टार्ट कर देना अच्छी बात नहीं है। एक चीज जो है जनरल पब्लिक के लिए कि सबसे पहले अपना जो मीठा है वो बिल्कुल कट डाउन कर दें, जो मोटापे में है जैसे अभी कॉलर की फोन, सबसे पहला स्टेप इज शुगर कट डाउन। आप चीनी भी इस्तेमाल ना करें, ना कोल्ड ड्रिंक्स लें, क्योंकि शुगर कंटेंट जैसे कम होगा कैलोरीज एकदम से नीचे हो जाएंगी, वो आपको हेल्प आउट करेगी वेट रिडक्शन। बिल्कुल, डॉक्टर साहब का सब्जेक्ट है, मगर हमारे यहाँ जो मिसकंसेप्शन है, अभी जैसे आपने कहा कि मीट कट डाउन कर देना या बड़ा गोश्त कट डाउन कर देना, फैट्स कट डाउन करने चाहिए, मगर उससे ज्यादा अहम जैसे डॉक्टर साहब ने कहा शुगर, स्पेशली प्योर शुगर, और उसके अलावा निशास्ते वाली जो दीगर अशिया है कार्बोहाइड्रेट्स, वो कट डाउन करना बहुत जरूरी है। वो लोग नहीं करते हमारे यहाँ, क्योंकि स्टेपल डाइट हमारे यहाँ निशास्ता है, चाहे वो चावल हो या रोटी हो या डिफरेंट काफी चीजें हैं। वेल, ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की, आजकल विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसके पीछे क्या रीजन आप समझते हैं कि आजकल बच्चे नौजवान हर कोई इस मर्ज में मुब्तला है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी हम किस तरह डिफाइन करते हैं वो भी एक अलग बहस है, क्योंकि हमारे पास जो रेफरेंस रेंजेस है, जो लेबोरेटरीज रिपोर्ट करती हैं, वो हमारी पॉपुलेशन बेस नहीं है, राइट। ये रेफरेंस रेंजेस वेस्ट से आई हैं, हम उसके मेयार के ऊपर अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो इस तरह पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, दिस होल बेल्ट इज प्रोबेबली डेफिशिएंट इन विटामिन डी, मगर हर एक को अलामत नहीं होती। इसीलिए बेहतर यह है कि सिर्फ नंबर्स को ना ट्रीट किया जाए, अगर किसी को उस नंबर या डेफिशिएंसी के साथ अलामत भी हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की, तो उसको ट्रीट किया जाए। बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी से जो प्रॉब्लम होती है उसको रिकेट्स कहा जाता है। रिकेट्स के अंदर बेसिकली होता यह है कि बच्चों की हड्डियां ग्रो हो रही होती हैं और लचकदार होती हैं,
तो वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम डिपोजिशन सही नहीं होती, हड्डियां मजीद नरम होती हैं और फिर वो उनके बढ़ते हुए वजन के साथ बेंड होना शुरू हो जाती है या टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। तो इस अमल को रिकेट्स कहा जाता है। इसी अमल को अगर हम बड़ों में ले लें, यानी कि जब ग्रोथ का पीरियड खत्म हो चुका होता है 17-18 साल के बाद, तो उसको फिर ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, जिसकी अलामत है हड्डियों में दर्द रहना, दुखना, थकन महसूस होना, या अजीब अजीब सी आवाजें भी समटाइम्स हड्डियों में से निकलना शुरू हो जाती है, काफी लोग शिकायत करते हैं। हड्डियों में से तो आवाजें नहीं आती, जोड़ों में से आवाजें आ सकती हैं, जोड़ लाइक जोड़ मोबाइल, ये जोड़ हो गया या घुटना हो गया, मगर वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की प्योरली अलामत नहीं है। विटामिन डी डेफिशिएंसी का, जैसे मैंने आपको कहा कि मेन जो सिम्टम है वो है बोन पेन्स, हड्डी में दर्द रहना, दुखना। बाज़ोकात लोगों को इतना होता है कि हाथ लगाने से भी हड्डी दुखती है राइट। तो ये काफी कॉमन है। और आपने जैसे कहा रीजंस क्या हैं, डाइट, अगेन द प्रॉब्लम इज डाइट एंड सनलाइट एक्सपोजर। विटामिन डी बनाने का कुदरती निजाम आपके अपने खाल में अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। फिर मैं खवातीन के, आई डोंट वांट टू साउंड बायस्ड, मगर खवातीन के पास दो इश्यूज हैं, हाउसवाइफ्स बाहर जाती नहीं है, कराची में अब अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं, देयर इज नॉट इनफ सनलाइट कमिंग, और वहां भी कोशिश होती है ब्लैक पर्दे लगा दें कि धूप ना आए। जो बापर्दा खवातीन है वो बाहर जाते हुए मुकम्मल पर्दा करते हैं, तो सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता। जो पर्दा नहीं करती वो रंग कम होने के डर से सूरज में नहीं जाती, सही हाँ। तो अगेन विटामिन डी डेफिशिएंसी की एक मेजर कॉज लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर है। दूसरा, हमारे यहाँ दूध का इस्तेमाल, अगर आप एडल्ट से बात करेंगे तो वो अब चाय में जितना दूध डलता है वो पीते हैं, एडल्ट्स हमारे यहाँ काम का नहीं होता, चाय का दूध किसी काम का नहीं होता, तो मिल्क नहीं लेते, एग्स का इस्तेमाल कम है, इस्तेमाल नहीं करते। सी फूड बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, स्पेशली फिश। हम समंदर के किनारे रहते हैं, शहर में पंजाब में आई एम श्योर कराची से ज्यादा मछली खाई जाती है, बिल्कुल सही कहा, बहुत शौक से खाई जाती है, ठीक, हमारे यहाँ इतना कॉमन नहीं है। राइट, बातचीत को आगे कंटिन्यू करेंगे, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अजी, वालेकुम सलाम, अदी कदी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अदा तहां बुधायो, खुश आयो, अल्लाह जी शुक्र है भाई। मुझे को जाचो आदे थोरो गलाइंदो तो आना डॉक्टर को थोरो सवाल पूछो आ। हां हां बिस्मिल्लाहियो गाल रायो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, अदा खुश आयो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जी। अदा कुछ पूछन चाहियो था? जी हां, मैं पूछन चाहियो तो मैं जूता का डॉल्फिन को गलावा तो वसंत अली कोराई। हां हां, तो कंट में मना मारेल को टप्पो दिनो मां जी किनी जी हेती नरियारी आए ना हती वे जोड़ जोड़ के मथा लगी व्यान। ठीक ठीक है, उन्हीं जो को हल दस्यो या अड़ो को मशवरो दस्यो तो जी मतलब हुए पाजी जाए ते अच्छी हो जाने। ठीक, पैर जी पिनी जी गाल था क्यों? नन्ना पैर जी पिनी ना जका है जंग जे तो पिनी आए ना उन्हीं में एक री हदी थी लिया सिद्धी जंग जे हेठा यानी कि गोडे खां हेठा जो को जंग जो विचो हिस्सो आए। जी 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 ठीक, उन हदी के छा थयो आए? वो भजी पया मतलब जोड़ एक बे जे मथा लगी आन। अच्छा ठीक है, so, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ अगर मैं कर पाऊँ तो। वो किसी वजह से गिरे थे या कोई छलांग लगाई थी जिसकी वजह से ये निचले हिस्से में कोई जोड़ आई डोंट नो होता है या नहीं होता, तो वो जोड़ कहते हैं कि जॉइंट हो गए एक दूसरे के ऊपर आ गए, हड्डी एक दूसरे के ऊपर आ गई है, वो टूटी थी, फ्रैक्चर हुआ, फिर आ गई, टूटी थी। कुछ मजीद आप पूछना चाहे तो जी, मतलब आपको फिर वो क्या इलाज क्या हुआ था उसके बाद, हड्डी टूटने के बाद कोई प्लास्टर लगा था? हेलो जी अदी, अदा जदे हड्डी ता जी टूटी हुई त इलाज केड़ो करायो, छा चयो डॉक्टर? इलाज अदी असा करायो से कुंभर खौ थरो, सुभान अल्लाह, गुरबत कमान वारा अकेला होया से कुंभर खौ इलाज करायो से। सही, अद मर्ज त ता पानो पाण बुधाय छियो तो कुंभर का इलाज करायो, वही कुम्हार की बात हुई के उनसे। सब मजीद कुछ पूछना चाहेंगे या अदी हुआ असला ये ना आईडिया तो हो गया कि क्या प्रॉब्लम? लख थो रहा।
जी सर, तो आधा मर्स खुद ही बता दिया बिल्कुल कि वो ये काफी आम है और मेरी एक स्पेशलिटी डिफॉर्मिटी करेक्शन भी है और हमारे यहाँ डिफॉर्मिटी या हड्डियों का टेढ़ापन के एक तो मैंने बच्चों में बताया और बड़ों में मैल ट्रीटेड फ्रैक्चर्स जिनका बर वक्त सही इलाज ना हो सके उसके अंदर दो प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो वो जुड़ते नहीं है या जुड़ते हैं तो गलत पोजीशन में जुड़ जाते हैं। जैसे इनकी मेरे ख्याल से पोजीशन प्रॉब्ली पोजीशन का मसला है जिसको हम मैल यूनियन कह सकते हैं। अगेन एक्सरेज देखने पड़ेंगे कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। पैर अल्लाह ताला ने वजन उठाने के लिए बनाया है और जैसे अगेन मैं गाड़ी की मिसाल दूंगा, गाड़ी की व्हील्स की अलाइनमेंट और बैलेंस जरूरी है, इसी तरह आपके पैरों की अलाइनमेंट और बैलेंसिंग बहुत जरूरी है वरना आपको चलने में दिक्कत होगी। अगर आपको आपका फ्रैक्चर सही नहीं जुड़ा है, टेढ़ा जुड़ गया है तो और उसकी वजह से कोई डिफॉर्मिटी है तो उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने की जरूरत है। वो कैसे करेक्ट की जाएगी आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको बता सकते हैं, तो आपके करीब में जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है आप उनको दिखाइए। बहुत सारे तरीके हैं डिफॉर्मिटी करेक्ट करने के, उनमें वो सारे दुरुस्त हैं मगर वो करने की जरूरत होगी। सही पौधा जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है यानी कि जो हड्डियों जो माहिर डॉक्टर होंगे ना, कुछ सर्जन होंगे कुछ माहिर डॉक्टर्स होंगे तो हड्डियों के माहिर डॉक्टर से वहीं तुम मिलो उनके पांची जेका भी हिस्ट्री है या जो भी तुम इलाज करायो है वो तुम उनके बुधाए वे हाँ तुम चो तो पलिस्टर भी कराइंदा रहो था पर उनके बावजूद को फर्क न थो पे तो इन जो मतलब है तुम जैंखा ट्रीटमेंट करायो पे कुछ सालन का उन डॉक्टर के थोड़ा चेंज कर दिसो कें सुठी तुम अस्पताल में वनो उते तुम वराय पांजो समूरी टेस्टू करायो तक खबर पवी तो असल जो मर्ज है वो कड़ो है बरा मेहरबानी इन मामले में लापरवाही न कजो छो तो उम्र जे जे इंसान की बदंदी है ते इंसान झूनो है हड्डू कमजोर थन्द है तो बेहतर है तो वक्त से वह शे जुड़ी वे। कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केर मुखातिब आयो? मामगलमान जमाल शिरादकर को सवाल आया। ठीक, अच्छा था चमन चाहे हो केरो सवाल है वहां जो डॉक्टर साहब का जालानो है तो यहां से मन जो जवाब तो सुनने जा को उठन का बात मुझे लेफ्ट साइड जो बात हो कमर जो एक साइड जो आज मैंने बंद किया था बस सुनने उठा तो बगैर तो बची न तो सका पर जो सुना उठन पर घुमा तो थोड़ो घणो तो उनको बाद में जो बात थोड़ो सूर घट थे तो बाकी दवाई होम्योपैथिक इंग्लिश दवाइयों एलोपैथिक सब कुछ कराए बिठो है सूर न तो चले बस सुबह बाद में उठी न सका। ठीक अदा हाँ गाल की है शॉर्ट था कि बुधा तो सूर घुमण वक्त तो थे चेल में या सुमण वक्त तो थे सुमी उठा तो थो ना तो उठी न तो सका बाकी घुमा तो को सूर थोड़ो घट आया बैठो है अपना सूर बिल्कुल महसूस न तो थे सही यानी घुमण वक्त महसूस न तो थे सुमण वक्त थे तो डॉक्टर साहब उदो स्पीकिंग में मां का डायरेक्ट होम्योपैथिक बहरहाल तुम टीवी खोले छी उतना बुधन की कोशिश कई जैसे कर रबो मुनकता थी वो बहरहाल इन गाल के अगत बुदायूँ था सर इनका मसल ये था कि काफ़ी टाइम से इनको कमर में दर्द है लेकिन जब ये सोते हैं या लेटते हैं तो इनको होता है जब ये चलते हैं तो ये ठीक होते हैं और होम्योपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी दिखा चुके हैं और वैसे भी दिखा चुके हैं लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा तो कुछ जहाँ तक मैं इनको समझ पाई इतनी लंबी गुफ्तगू के बाद रेस्ट पे पेन होना और एक्टिविटी पे गायब हो जाना वैसे भी अच्छी अच्छी बात नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा मौजू बन जाएगा कि रेस्ट पेन के क्या क्या कॉजेज हैं अगर कुछ डिस्कस कर लिए जाएं क्योंकि आजकल ये भी बड़ा एक इशू है। नहीं रेस्ट पेन देखें कुछ तो बहुत मासूम कॉजेज हो सकते हैं बट समटाइम्स इट कैन बी इन्फेक्शन एज वेल एज क्रॉनिक इन्फेक्शन हमारे यहाँ कॉमन है अप टू द लेवल ऑफ ट्यूमर्स। मैं उसको मतलब इस तरह के शो पे उसको डिस्कस करना सम थिंग्स आर समटाइम्स वेरी सेंसिटिव तो इतने कम इन्फॉर्मेशन के साथ ऐसी चीज को डिस्कस करना जो है वो गलत होगा। ऐसा ना हो कि व्यूअर्स और इनके भी जहन में गलत एक मैसेज जाए। आई वुड सजेस्ट कि अगर इनको रेस्ट पेन है तो बेहतर है ही शुड हैव अ कंसल्टेशन किसी के सुठे डॉक्टर के तादी करो। थैंक यू सो मच। और एक खातून हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी शाला। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अदी तां बुधायो खुश आयो? जी जी बाजी मुझे एक सवाल है डॉक्टर साहब सा।
जी जी मां शुगर जी पेशेंट आया मुझे पेट जो वेट माना तमाम घणो थी वियो आ शुगर जी पेशेंट आयो पेट सिर बधल है जी जी आए सुबह जो उठा नी त पेर जे खुरन में दादो दर्द थो थे मुझे सही अच्छा उम्र केतरी है मां जी उम्र मुजी तकरीबन 28-30 साल की उम्र है 28-30 साल तो तकरीबन की 28-30 तक एज है और शुगर की पेशेंट है पेट इनका बहुत बढ़ रहा है ओके वे अच्छा वेट कितना है वजन केतरो है यदि वजन मनाई कराए बाजी है माना पेट जो वेट जे को अपना तमाम पेट बाहर निकला ठीक है अई पेरन में सूर भी थे तो हां खुरिन में सूर सुबह जे टाइम तमाम घणो तो थे ठीक है अच्छा ये इंसुलिन लगाती हैं शुगर के लिए कि दवाई है या मेडिसिन है मां टेबलेट खाई है आया टेबलेट खाती है टाइप 2 डायबिटीज है ठीक है अच्छा देखिए वेट इनको पता है शुगर तकरीबन मुझे माना 200-250 होते रह दिया मतलब 200 और 200 और कब से डायबिटीज है केतरे अरसे खाधी आहे तांके शुगर 5-6 साल के आन बादिन के 5 साल 5-6 साल अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज है आई अज्यूम कि इनको ओबेसिटी भी है इससे मैरिड शादी हुई भी है इनकी अच्छा शादी थला है मदे जी शादी से दा हम 12 भी आन 12 केतरा है 12 माशाल्लाह गंदे है 5-6 12 है 5-6 12 है ने शादी के केतरो टाइम थयो है शादी के 12 साल के आन 12 साल शादी को 28 तो ये 16 तक बहुत कम उम्र में है कितने बच्चे क्या करे मुझे बेटे जो वेट है शुगर की भाई या शुगर की तकलीफ ले करे बाद में ये अदी अदी बड़ी मेहरबानी ठीक है अदी बड़ी मेहरबानी हाने ध्यान से जेका गाल दा के डॉक्टर बुधाए तो ना उनके बुद्ध जो ठीक है बड़ी मेहरबानी अब हम कॉल के जी डॉक्टर साहब देखें इसमें दो चीजें सेपरेट कर लें एक तो डायबिटीज है इनको जो अर्ली ऑनसेट है डायबिटीज का और उसके लिए दवाई लेती हैं ये अच्छा जो इनको घुटनों में सूजन है ये हो सकता है पैरों पे सर वो हो सकता है डायबिटीज की कोई कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो जैसे पॉसिबिलिटी अच्छा दूसरे जो इनका सिर्फ पेट बढ़ा हुआ है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ उनका वेट शायद नॉर्मल होगा सिर्फ सैगिनेस होगी क्योंकि 5 प्रेगनेंसीज हुई है हाँ, तो उस, बच्चे है ना उसकी वजह से जो सैगिनेस हो जाती है दिस इज वेरी कॉमन नाफ के पास हर्निया हो जाना खवातीन में बहुत कॉमन है इस प्रेगनेंसीज और पेट का लटक जाना जो अक्सर कपड़े पहनने पर नुमाया दिखता है और खवातीन इसलिए कंसल्ट करती हैं कि ये पेट जो लटका हुआ है इसको वो करें तो मैं एडवाइस अगेन ये दूंगा एक तो कंसल्ट करवा लें किसी से और शुगर के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि वो अपनी जो भी टेस्ट करवा के ये देख लें कि सूजन जो आ रही है टांगों पे ये किसी शुगर की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है और अगर वज़न इनका सही है तो इसको सिर्फ आप रिमूव करवा दें फैट तो इनका पेट स्ट्रेट हो जाएगा अच्छा रिमूव किस तरह करवाया जा सकता ये सर्जरी मतलब इसको टमीटा के आम लैंग्वेज में बोलते हैं जो लोग समझ लेते हैं एब्डोमिनोप्लास्टी होती है जो एक्सेस वे जो टमी है जो सैगिनेस है जो लटका हुआ है उसको रिमूव कर देते हैं और पेट स्ट्रेट हो जाता है कपड़े पहनने पे वो लटका हुआ या बड़ा हुआ हुआ नजर नहीं आता ठीक मजीद हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे ब्रेक का टाइम हो चुका है आपकी इजाजत हो तो ब्रेक लिया जाए जी व्यूअर्स टाइम आए शॉर्ट ब्रेक जो ब्रेक ना वधना सी ब्रेक का पोए वरी गाल बोल के सकते वधना सी अब हम लाइव कॉल्स करे सको था कादिम नवन जो दिसना रहे जो सलाम सिन मुझे सिन के सलाम सलाम सिन मुझे सिन के सलाम सलाम सिन सिन टीवी नेटवर्क मोबाइल ऐप Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app now. Munje sindh ke salam salam sindh. Munje sindh ke salam salam sindh. Jeevers muktase saiye khan poe vari ma sabni ke bhali kar chhun tha ye ajo sanji ji ka galgol hale pai uha hadin je marzan je hawale sa hale pai ऐं थोल जे हवाले सां हले पई अवां जे जेके सवाल आहिनि उहे बि असां ताईं पहुचनि पिया ऐं उन्हनि खे बि असां कोशिशि कयूं पिया त कुझु जवाबु ॾियण जी कोशिशि कयूं छो त ॿई जेके मामला आहिनि उहे तमामु घणा सीरियस आहिनि अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले आपने कहा कि टमी को सर्जरी के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है एक इशू जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है मेरा वज़न ज़्यादा है मुझे किसी ने कहा कि जी ये मेडिसिन ले लो आपका वज़न कम हो जाएगा या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले गए तो ये जो खुद से मेडिसिन लेना या बिला वजह मेडिसिन पर जाना और एक्सरसाइज ना करना ये कितना खतरनाक होता है देखिए कोई भी मेडिसिन जो कोई डॉक्टर एक क्वैक है जो दे रहा है हमें नहीं पता उस मेडिसिन में क्या चीज़ है उसके अंदर क्या शामिल है और साइंटिफिक तौर पे कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो वज़न रिड्यूस करती हैं जो चर्बी की जो एब्जॉर्प्शन है वो कम कर देती हैं हमारी एब्डोमेन से तो उससे फैट एब्जॉर्ब नहीं होता तो उससे वेट लॉस होता है लेकिन वो बहुत टेम्पररी हल है और बहुत उसको देने के लिए
خاص انڈیکیشن ہے جس میں وہ دی جاتی ہے, ہر ایک کو نہیں پرسکرائب کر سکتے. پھر کچھ اور میڈیسنس آ گئی ہیں جیسے کہ جی ایل پی ون ایک انزائم ہے, وہ ریلیز کرتی ہیں, اس سے انسولین بڑھتی ہے تو اس سے بھی ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے, انسولین ڈائبٹیز کنٹرول ہوتی ہے. لیکن یہ ساری میڈیکیشن جو ایکسپرٹس ہیں وہ ایڈوائز کرتے ہیں, نہ کہ ہم کسی بھی جا کے کوئی ہمیں ڈبے میں دوائی دے دے اور ہم وہ کھانا شروع کر دیں. تو ہمیں نہیں پتہ وہ کیا چیز ہے اور اس کے آگے آنے والے وقت میں کیا اس کے آؤٹ کم ہوگا یا کیا رزلٹ اس کا نکلے گا. تو پہلی چیز تو کوئی بھی دوائی ایسی نہ لیں جو ویٹ ریڈیوس کرے اور آپ کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ ابھی تو یہی تھا. اچھا نہیں بس ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں, کافی اسکرین پر کمرشل چلتے ہیں جی, بس ایک مہینے میں آپ کا وزن یوں کم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. وہ جو سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں, مجھے یاد ہے کافی ٹائم پہلے کمرشل کیا تھا تو اس میں جو سپلیمنٹس بنانے والی کمپنی تھی اس کے مالک کا وزن ماشاء اللہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کو سرجری کی مجھے لگ رہا تھا کہ ایسا ضرورت ہے, اور وہ کہہ رہا تھا کہ ایک مہینے میں آپ کا وزن کم ہو جائے گا. ایسی دوائیں بالکل چکر ہے پاکستان کے اندر اسپیشلی. یہ آپ نے صحیح کہا, بس کمرشل ہے. دیکھیں ٹی وی پہ کمرشل چلتا ہے, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مہینے میں کم ہو جائے گا, وہ پروڈکٹ خرید لیتے ہیں. اب آئی ایم شیور اس کے خریدنے سے بہت منافع ہو جاتا ہوگا اس کو, وہ ایک ہے نا, اب ایک مہینے بعد کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا. کسی کا اگر وزن کچھ کم بھی ہو گیا تو اس نے دوبارہ وہ منگوا لی. تو آئی تھنک اس پہ بالکل بھی یقین کر کے اس پہ عمل نہیں عمل کرنا چاہیے. ایکسپرٹس کے پاس جائیں جو اس چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں, ان سے ہدایت لیں. ٹھیک سر, آج کل یہ ڈاکٹرز بھی آ گئے ہیں کہ جوڑوں کا درد, پٹھوں کا درد, کمر کا درد, آپ کی ٹانگوں کا درد, آپ بس ہمیں اپنا مرض بتائیں, بنا دیکھے ہم بتائیں گے آپ کو کیا پرابلم ہے, اور اس کے بعد پھر وہ علاج بھی ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان میں, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں 60-70% لوگ انہیں پہ یقین کرتے ہیں. ٹیبوز, سوشل ٹیبوز بہت ہیں, اور سوشل ٹیبوز ہمارے پروفیشن کو لے کے بھی ہیں, جنرل سرجری میں بھی ہیں, ہر اسپیشلٹی میں ہیں سوشل ٹیبوز. اگر آپ یہ بغیر دیکھے مرض کو بتانے والی بات کریں تو خیر اب یہ گروئنگ برانچ بھی ہے بائی دی وے میڈیسن کی, ٹیلی میڈیسن جس کو ہم کہتے ہیں, تو لیٹس ناٹ کنفیوز دس وتھ ٹیلی میڈیسن. مگر آلٹرنیٹو میڈیسن ایگزسٹ کرتی ہے, کچھ چیزیں اس میں درست ہیں اور بہت ساری چیزیں درست نہیں ہیں. اسی لیے یہ ایک مشکل ایریا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے, اور مریضوں کے لیے بھی مشکل ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اچھی چیز یہ ہے کہ جو اسٹیبلشڈ طریقے ہیں علاج کے ان کے اوپر انحصار کیا جائے. فار ایگزامپل جوڑوں کے درد کے لیے نام تو میں کسی ایگزیکٹ ٹیکنیک کا نہیں لینا چاہتا, مگر بہت سارے ایسے ادارے کھل گئے ہیں کہ جی ہم شعائیں دے دیتے ہیں, اس سے لیزر, کامنلی لیزر کہا جاتا ہے, مگر اس میں بھی دو تین اقسام کے علاج ہیں. کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ جی اس سے درد ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ پیشنٹ ٹیسٹیمونیلز بھی کہ جی میں ایسا تھا پہلے اور اب میں ایسا ہو گیا ہوں, میں پہلے چل نہیں سکتا تھا اور اب میں ایسا ہو گیا ہوں. سائنٹیفکلی پروون کوئی چیز نہیں ہے. جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کے لیے میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی علاج کو کرنے جا رہے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے اب بہت ساری انفارمیشن اویلیبل ہے, ود اے ورڈ آف کوشن کہ انٹرنیٹ پہ غلط انفارمیشن بھی ہے مگر آپ کو اوتھینٹیسٹی اس کی پتہ چل جاتی ہے. تو اسی لیے کوشش کریں. اور دوسری چیز یہ کہ اگین سیلف ٹریٹمنٹ نہ کریں, کوئی بھی سیلف ٹریٹمنٹ نہ کریں. ڈاکٹرز کسی وجہ سے پڑھ لکھ کے اتنے سال لگا کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے مل لیں. اگر آپ کو اسپیشلسٹ نہیں ملتا تو آپ فیملی پریکٹیشنر سے مل لیں جو کہ ویل ٹرینڈ ہو, وہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس اسپیشلٹی کو دکھانا چاہیے, کیا موڈالٹی ٹریٹمنٹ کی یوز کرنی چاہیے. انٹرنیٹ کی آپ نے بات کی تو آج کل سر بڑے ویڈیوز بن رہے ہیں کہ جی آپ پانی لیں, اس کے اندر شہد ڈالیں, اس کے اندر کالی مرچی ڈالیں, لونگ ڈالیں, الائچی ڈالیں, کلونجی ڈالیں, آپ کا وزن چٹکیوں میں کم ہو جائے گا. تو یہ جو ٹوٹکے بلا وجہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, کیا یہ واقعی اتنے افیکٹو ہوتے ہیں یا یہ کتنے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ اب گرم پانی میں یہ ساری چیزیں ڈال دیں, وہ پی بھی لیں, ٹھیک ہے, لیکن بعد میں حلوہ بھی کھایا, گلاب جامن بھی کھایا, بریانی بھی سب کچھ کھا لیا, تو اس پانی کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو بات آخر میں آ جاتی ہے کیلوریز پہ, کہ آپ کتنی کیلوریز لے رہے ہیں اور وہ ایکسس ہیں وہ سب آپ کے جسم میں ڈپازٹ ہو جائیں گے. کاربوہائیڈریٹ کی بات کی, ایک چیز آپ پبلک کو بتانے کے لیے کہ جو بھی ہم روٹی چاول کھاتے ہیں وہ اندر جا کے شوگر ہی بن جاتی ہے. تو ضروری نہیں سمجھے کہ جو شوگر وہ کھا رہے ہیں وہی شوگر ہے, بلکہ جو روٹی اور چاول ہے وہ بھی خون میں جا کر, کیونکہ کافی فروٹس میں سبزیوں میں شوگر ہوتی ہے جو نیچرل شوگر. دیکھیں نیچرل شوگر از ناٹ ہارمفل, فروکٹوز ہے,
ठीक है, लेकिन जो ये कार्बोहाइड्रेट है दे कन्वर्ट हमारे खून में जाके एज अ शुगर के तौर पे। एक बहुत कॉमन चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, अक्सर लोग बहुत सारे अल्ट्रासाउंड कराते हैं उस पर लिखा हुआ है फैटी लिवर, ठीक है, और फैटी लिवर को वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये क्या है, और वो डॉक्टर बाज दफ़ा उसको हाँ सोजिश है या कुछ नहीं है। देखें फैटी लिवर का मतलब ये है कि आपके जिगर पे चर्बी आ गई, वो चर्बी इसलिए आ गई कि आपके जिस्म में एक्सेस फैट है, एक्सेस शुगर है जो सब डिपॉजिट हो रही है लिवर में जाके। अच्छा फैटी लिवर की अब जिनको फैटी लिवर ज़्यादा रहता है वो आहिस्ता आहिस्ता उनके जिगर में सोजिश की वजह से जिगर सुकड़ जाता है, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, जिगर फेल हो जाना, लिवर फेल हो जाना। सर माजद के साथ आपकी बात काट रही हूँ, सऊदी अरब से कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, केर पे आबादी। वालेकुम अस्सलाम, मां जदार गलाया दो सऊदी अरब को, मां मामी के मन एक्सीडेंट छो गाड़ी मन आज की 70 को मत हडी या या मन टूट गया, ऑपरेशन भी थयो मन हेठो सो डाकू लगो मत मन हेठो जो को पैर वा ओ मन हेठ जोर दे तो मन एक साल छियो तो मत न थो थे। हां पैर जो वाले को मथे मन मथे न तो होते मन आंगुरी बांगुरी जान थोड़ी घणी चुरन दी मन हेठ जोर दे तो पब मन हेठ जोर दे तो मथे उठे न तो ठीक। अच्छा यो मर्ज तहां सा है, मतलब तहां जो एक्सीडेंट थियो या के बेटी गाल पे गयो? ना ये मामा ने मामू गाडो ही रहंदो ठीक है, यानी के गोडे का जका मथे वाली हड्डी आ उते का थे आ 70 को मथे तो यारी जे उवा मन टूटी पई है थोड़ी मन उन ऑपरेशन ऑपरेशन क्यों तो सऊदी अरब में प्लेटा मिलेटा हदीज आई आई प्लेटा लोहा जो तब उन वरी मन टाका बाका ये मन फट छोटी यो चढ़ी मन जो पैर आ मन वो रग वर्किंग नथी करे उन जे करे अला छाजे करे भी आए मन पैर हेठ जोर दे तो मथे उठे न तो इया ठीक है। ठीक है बड़ी मेहरबानी अमा कॉल कई आई बिल्कुल अमा जे मर्जी से गालन की कोशिश कियो था। डॉक्टर साहब इनका ये कहना था कि किसी एक्सीडेंट की वजह से इनके मामू को कोई ये हड्डी आई थिंक जिसको चुक भी कहते हैं, अब उर्दू में शायद एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, वो कमर का एक हिस्सा है जिसकी वजह से वो उठ नहीं पा रहे, अगर वो बैठ जाते हैं तो वो उठ नहीं पाते। अच्छा वैसे चल फिर लेते हैं जब उठ जाते हैं? हाँ वैसे चल फिर पाते हैं, लेकिन अगर जैसे आप अचानक से उठते हैं या बैठते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाए। अगर तो ये चोट कमर की थी, कमर के रीढ़ की हड्डी की थी और उसकी वजह से अब ये नीचे कोई मोहताजी नहीं है और पावर इनके पैरों में नॉर्मल है और सिर्फ उठने बैठने या मूव करने में इनको दिक्कत है, तो अगेन इसका इशारा मैकेनिकल बैक पेन की तरफ भी जाता है और दूसरा इंस्टेबिलिटी की तरफ भी जाता है कि स्पाइन में इंस्टेबिलिटी है, नॉर्मल वो नहीं मूव कर रही जिसकी वजह उसके पट्टे टूटना या कोई ऐसा फ्रैक्चर जो ना ही हुआ। गालवन का ये भी कहना था कि वो पांव नहीं उठा पा रहे। अगर पांव नहीं उठा पा रहे हैं तो इसका मतलब उनका प्रोबेबली कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हुआ है, नर्व डैमेज भी हुई है उस रीढ़ की हड्डी के उसमें। अब ये डिपेंड करता है कि एक्सीडेंट से या चोट से अभी तक कितना टाइम हो चुका है, हो सकता है वो रिकवरिंग फेज में हो और उमूमन मतलब ऐसा ऐसा रिकवर कर जाए, उसकी कितनी रिकवरी होगी कि 100% होगी या नहीं होगी ये प्रिडिक्ट करने के लिए ऑब्वियसली इनका एमआरआई देखना पड़ेगा। अगर एमआरआई नहीं हुआ है अभी तक तो एमआरआई करवाइए, किसी स्पाइन सर्जन को दिखाइए ताकि वो देख के असेस कर सकें। दूसरा ऑब्वियसली यू नो वो ये भी असेस करेंगे कि अब कितनी रिकवरी हो चुकी है और क्या चांसेस हैं मजीद रिकवरी के। ठीक सो अदा ये सजेशन है तो कि चंगे डॉक्टर के दिखारियो वने और वधिक चकास कराई वने टेस्टों कराई वने त छा मसलो आहे उन खां पोइ का बेहतर शइ सजेस्ट करे सघिजे थी। ऐसे अक्सर जब जोड़ों में दर्द होता है या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में तो सर्जरी की जो नौबत आती है वो किन मामलात में आती है, किन इशूज में? देखिए जो जोड़ों की सर्जरी है या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है जी, हम मोस्ट कॉमनली दो कॉजेज होते हैं। सबसे कॉमन जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डीजनरेटिव आर्थराइटिस, जो कि उम्र के साथ साथ जोड़ खराब हो जाता है। दूसरी वजह गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि जोड़ों के सोजिश की बीमारी है। गठिया एक बीमारी नहीं है, एक मजमुआ है बीमारियों का, वो किसी भी एज में हो सकती है, यंग लोगों में भी हो सकती है। जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनमें जब हड्डी आपस में मिलना शुरू हो जाए, यानी हड्डी के ऊपर की जो सतह है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाए, उसकी वजह से हड्डी की रगड़ की वजह से दर्द हो, उस स्टेज पे जोड़ों की सर्जरी करने की नौबत आती है, जबकि दवाइयों से फिर कोई अफाका नहीं हो रहा हो। राइट,
चलिए ये बात भी अच्छी बताई, और आपने बीच में बात कही कि पेट अक्सर खवातीन का लटक जाता है, तो शायद ज़्यादा बच्चों की वजह से यहाँ बहुत सारे मामले होते हैं, तो लटकना मेडिसिन के थ्रू कवर किया जा सकता है या आखिरी ऑप्शन जो होता है आपके पास वो सर्जरी होती है? देखिए, जब एक दफ़ा सेगिनेस हो गई, किसी को मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई, 5 बच्चे 6 बच्चे, जो सेगिनेस है ना उसमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसमें अगर कोई एक्सरसाइज करता है, वेट रिड्यूस करता है अपना, तो वो सेगिनेस या लटकना और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसका तो वाहिद एक ही हल होगा कि उसको सर्जरी करके उसको करेक्ट किया जाए। सही, चलिए ये भी आपने सही कहा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि पूरे मोटे नहीं होते लेकिन जिस्म के कुछ हिस्से बढ़ रहे होते हैं। देखिए, फैट डिपोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है दोनों जेंडर्स में, मेल फीमेल्स में। अच्छा, इसमें एक चीज़ आ जाती है जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी, फॉर इंस्टेंस जो लोग टीवी पे बहुत आ रहे हैं या जिनको लोग देखते हैं, अब उनका अगर फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो गई है थाइस पे, शोल्डर्स पे, तो आई थिंक उनके लिए बेहतर ये कि उसको लाइपोसक्शन करवा सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन के पास जाइए ताकि वो उसको एक्सेस फैट को रिमूव कर दे, तो वो बेहतर हो जाएगा। वो उनको बैरियाट्रिक सर्जरी, वेट लूजिंग सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज करें और लाइपोसक्शन इज़ इनफ फॉर देम। ठीक, अच्छा कुछ वही बात मैंने कही कि मेल में मेल्स भी आजकल बहुत ज़्यादा, जिसको बिल्कुल इंसान डी शेप हो जाना, उसका कोई घरेलू कुछ तरीके फिलहाल बताना चाहिए? सबसे पहली चीज स्टार्ट करें अपनी डाइट से, डाइट ठीक है, उसमें शुगर कंटेंट कम करें, कार्बोहाइड्रेट कम करें और एक्सरसाइज स्टार्ट करें। सही, जिसमें जॉगिंग है और साइकिलिंग है बहुत इंपॉर्टेंट। आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सेस वेट लूज होगा, आपकी कैलोरी कम होगी, उससे डिपोजिशन नहीं होगी और आप फिट भी रहेंगे, मसल्स आपके बोन्स एक्टिव रहेंगे, तो स्टार्ट यहाँ से करें। उसके बावजूद कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि बास पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वो डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उनका BMI 35 से कम नहीं जा रहा, फॉर इंस्टेंस, वो सारे उन्होंने तरीके आजमा लिए, फिर हम कुछ उसको सर्जिकल करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट हमेशा डाइट से और एक्सरसाइज से हो। ठीक, लेकिन डाइट भी वही बात है कि डॉक्टर से जरा मिलने बिल्कुल ज्यादा बेहतर होगा, खुद से कुछ भी स्टार्ट ना करें, खुद से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा, एक टॉपिक जो बीच में रह गया, फिर कॉल आ गई थी कार्बन, विटामिन डी की बात हो रही थी, कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि सुबह सुबह जॉब पर जाते हैं और पहली जो किरणें होती हैं वो उनके चेहरे पर भी लगती हैं या धूप उनको मिल रही होती है, और काफ़ी एक्टिव किस्म के लोग होते हैं लेकिन फिर भी उनको ये डिफिशेंसी हो जाती है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें बहुत अहम चीज़ है, विटामिन डी डिफिशियंसी को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, यही बात, तो मैं चाहूँगी थोड़ा तफसीलन इस पर तबसरा हो जाए। सिर्फ नंबर्स या वैल्यू जो कि आपके लैब रिपोर्ट पे है वो अहम नहीं है, अगर उस डिफिशियंसी के साथ आपको उसके अलामत हैं जिसको हम क्लिनिकल कोरिलेशन कहते हैं, तो फिर तो उसको ट्रीट करना जायज बनता है। अगर वो नहीं है और इंसिडेंटली वैसे ही किसी और रीजन के लिए आपने टेस्ट कराया हो और वो आ जाए, कॉमनली हमारे क्लिनिक में लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मतलब कोई स्पेसिफिक डिजीज लेकर आए होंगे मगर कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा विटामिन डी भी चेक करा ले, अच्छा, या हमने विटामिन डी लिया है। जैसे मैंने कहा कि वो विटामिन डी रिप्लेसमेंट जो है वो एक फैशन बनता जा रहा है, यू नो एवरीबॉडी इज रिप्लेसिंग विटामिन डी, चाहे वो उसकी ज़रूरत हो या चाहे उसकी ज़रूरत ना हो। मैंने आपको अलामत पहले भी हाईलाइट की थी कि विटामिन डी डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, तो इसलिए देखिए विटामिन डी, आपने सुबह की किरणों की आपने बात की, एक ये भी बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है, आपकी स्किन डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि वो सुबह की किरणें हैं या वो दोपहर की किरणें हैं, सनलाइट एक्सपोजर, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर टू द स्किन इज इंपॉर्टेंट। सुबह की किरणें वो लोग इसलिए कहते हैं कि डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं सुबह में बैठ जाए, सुबह में बैठना आसान होता है, दोपहर में कराची की गर्मी में आप बैठेंगे तो फिर आप बहुत जल्दी झुलस जाएंगे। तो अगेन जैसे मैंने कहा कि हम लोग आपका स्किन एरिया कितना कवर्ड है और कितना अनकवर्ड है, डायरेक्ट सरफेस एरिया एक्सपोज कितना हो रहा है और किस ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, तो रफली ये कहा जाता है या एक रफ फॉर्मूला ये बना लें कि हेड एंड नेक एंड बाजू, ये आपके अगर 20 से 30 मिनट मिनिमम डेली एक्सपोज होते हैं सनलाइट से तो दैट इज ओके, मगर अगर आप कवर्ड हैं और आप सूरज में जा रहे हैं तो अगेन इट्स नॉट, इट डजंट अमाउंट टू एनीथिंग। लेकिन सर हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसे एरियाज भी तो नहीं है, अगर हम बाहर के ममालिक की बात करें तो वहाँ पर सन बात स्पेशली ली जाती है, अब हमारे यहाँ तो लाजम सी बात है कि रिवायत भी कुछ ऐसी हैं और इन्वायरमेंट भी कुछ ऐसा है, तो फिर उस सूरत में क्या किया जाए? अटेम्प्ट आप जरूर कीजिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे यहाँ कल्चरल प्रॉब्लम भी है, सोशल प्रॉब्लम भी है,
सूरज इतना ज्यादा है कि सन बेथिंग नहीं की जा सकती उनके पास तो सन कभी कभार निकलता है, सूरज कभी कभार निकलता है, वो बेचारे सूरज के लिए तरसते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है, हम बचते हैं बिल्कुल। तो मगर ये कि आपके घर में अगर कोई बालकनी है, कोई बरामदा है, छत है अपार्टमेंट्स में जहाँ पे सूरज की रोशनी आती है, खास तौर पे जो खवातीन पर्दा करती हैं उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि यू नो वो कौन सी जगह है जहाँ पे जाके दे कैन एक्सपोज अप टू मिड आर्म। मगर अटेम्प्ट करना चाहिए, टाइम जैसे टाइम हम कहते हैं ना, टाइम हमेशा क्रिएट करना पड़ता है, टाइम कभी भी नहीं होता। तो लोगों के पास शहरी जिंदगी में तो खासतौर पर लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इस चीज़ का तो टाइम ही नहीं, हमारे पास वॉक करने का टाइम नहीं है। अगर आप अपने जिस्म के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो फिर बहुत बड़ा मसला है, सोचने वाली बात है। बहरहाल मजीद हम बात करेंगे, यूरिक एसिड एक ऐसा इशू है जो कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है और दोनों डॉक्टर्स पर बात कर सकते हैं क्योंकि दोनों के मामला जुड़े हुए हैं। सो वी मस्ट टाइम आई शॉर्ट ब्रेक जो कादिम नमन जो डिसना रहे जो पांच प्रोग्राम सलाम सिंध। Sun TV Network mobile app. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app now. Munje sabke salam salam sun. Munje sabke salam salam sun. जी व्यूवर्स वापस अची चुका है मुख्तसर ब्रेक का एक भेरो बीहर अमां के भली कार चूं था साहिद बनन का पहरियों जै मौजू के साथ छड़ो हुए मुकम्मल न करे सकियासी उन मौजू के असा मुकम्मल कंदासी। तो यूरिक एसिड आजकल सबसे बड़ा इशू, खैर विटामिन डी से बहरहाल फिर भी छोटा इशू है मगर जैसे आपने कहा कि यूरिक एसिड के बढ़ जाने से जोड़ों में जो दर्द होता है उसको हम गाउट या गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। गाउटी आर्थराइटिस ये भी एक कॉज है आर्थराइटिस की, बिसाइड्स इन्फ्लेमेटरी या गठिया जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस और डिजेनरेटिव आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस भी एक रीज़न है। इतना कॉमन नहीं है जितना कि परसीव किया जाता है। अगेन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ओवर इन्वेस्टिगेटेड एंड ओवर ट्रीटेड एरिया है। हर एक का यूरिक एसिड बढ़ जाने वाले को आर्थराइटिस नहीं होता, तो सिर्फ हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाना को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उसको डाइट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए पहले तो मीट, स्पेशली रेड मीट को कम करना, सब्ज़ भाजियों को कम करना जिसमें आपके साग हैं, पालक है, सोया है, लीफी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसको हम कहते हैं उसका कम होना और टमाटर का इस्तेमाल कम कर देना, ये उसके डाइट कंट्रोल में आता है। जनरली स्पीकिंग अगेन आइडिया ये है कि आप किसी आपके पास जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन है या रूमेटोलॉजिस्ट है, क्योंकि एक ग्रे जोन है, ये रूमेटोलॉजिस्ट भी ट्रीट करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी ट्रीट करते हैं, अगेन उसकी दवाइयाँ भी आती हैं यूरिक एसिड लेवल को कम करने के लिए, और यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जो आर्थराइटिस होता है उसको ट्रीट करना फिर एक अलग टॉपिक है। उसके लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, यूरिक एसिड लोअरिंग एजेंट्स और दीगर भी कुछ दवाइयां हैं जिनके कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए। मुकम्मल तौर पे ट्रीटेबल, अच्छा ट्रीटेबल से मुराद ये है कि ये इसी तरह है जैसे डायबिटीज कि आपको उसको कंट्रोल करना पड़ता है, ये जड़ से खत्म नहीं होता अगर आपको गाउट का मसला है तो। राइट सर, अक्सर लोगों का ये मानना है कि यूरिक एसिड की वजह से वजन भी बढ़ता है, तो सदाकत कितनी है इस बात में? नहीं, यूरिक एसिड का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है ओबेसिटी के साथ, ओबेसिटी के साथ नहीं है डायरेक्ट नहीं है। ठीक, उसके अलावा जो आजकल कोल्ड ड्रिंक्स हो गई और मशरूबात का हद से ज्यादा इस्तेमाल, चाय दिन में कोई 10-12 कप पीना, इस पर हम बात करते हैं कि क्या करना चाहिए और कितनी ये खतरनाक है चीजें। कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अदी, नालो बुधा जो पांजो मुझे नालो लिदा है जी अदी, खुश आए हो कम कोट का गलाया थी। माशाल्लाह 16 साल उम्र घणी घणी उम्र है 16 साल जी अदी, 16 साल तानी उम्र आ है, मसलो छा है? मसलो यो आ मतलब मजे वजन है ना उम्र के हिसाब से वधिक है। अच्छा घणो आ है वजन वाजो? चेक नाइन करायो
चेक ना है करायो हाइट जी खबर आए कद जी कद कद सब पास नंदो भी ना है वो भी ना है सही है ना नॉर्मल है तो ये है 16 साल की नारी हाँ, और उनका वजन बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छा वजन को पता नहीं कितना है। पता नहीं है बस कह रही है कि ज्यादा है। देखें टीनेजर्स में वेट बढ़ जाने की एक वजह तो हमने डिस्कस कर ली थी जो डाइट है ठीक है जो अभी आपने जिक्र किया अपना जिसमें शुगर कंटेनिंग सिरप्स बहुत ज़्यादा हैं कोल्ड ड्रिंक्स ठीक है। दूसरी एक चीज़ टीनेजर्स फीमेल्स में है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिनके ओवरीज में पॉलीसिस्टिक डिजीज होती है उनको ज़्यादा टेंडेंसी होती है वेट उनका ज़्यादा हो जाता है ठीक है। तो उसके लिए बेहतर रहेगा चूंकि इनको वेट भी नहीं पता तो एक कंसल्ट करवा लें किसी एक्सपर्ट से ताकि वो एक दफ़ा इवेल्युएट कर ले कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ टीनेज में कॉमन है वो तो नहीं है और सेकंड अगर ये सोली डाइट की वजह से है उनका बीएमआई इवेल्युएट कर लें कितना है और अगर इनको डाइटिंग एक्सरसाइज है तो वो एडवाइस कर दें तो डाइटिशियन और एक डॉक्टर से ज़रूर मिलने जाके ठीक है। वधी के चंगे डॉक्टर से रुजू कर उन सलाह मशवरों वो ताकि बेहतर बुधा सकता एक बो कॉलर मौजूद है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी जी हाँ इकबाल करमानी तो या खुद भी यूरिक एसिड जो पेशेंट आया यूरिक एसिड पेशेंट हाँ काफ़ी टाइम का माना यूरिक एसिड टे तकरीबन टे साल थी यूरिक एसिड का दवा को वा क्लियर कर उनको जो लेवल है न वे तो न घटे तो हाँ यो डॉक्टर साहब का पूछो है जोदे माना कदे डॉक्टर से चवंद दौरो न खाओ कदे चवंद साई पालक न खाओ टमाटो न खाओ गोश्त न खाओ पर कदे कदे असि खाइंदा भी हूं पर वो लेवल सेम रो है तीन साल का ठीक है यानी कि तां खाओ था उनके बावजूद लेवल जो है यूरिक एसिड जो सेम तो रहे हां ना करे करे छड़े विंदो या ठीक जब थी नो छड़े विंदो या वरी भी करे करे खाई विंदो या अच्छा इन जे करे कुछ ब्या मसला थन था यूरिक एसिड जे वधन जे करे जे जोड़न में सूर आ है न्यू कॉम्प्लिकेशंस आ है कुछ भी ना बस यूरिक एसिड ना को ब्लड प्रेशर ना का शुगर आ का आप शेक नहीं ठीक बस सब में भी कोई दर्द बाकी हां जोड़न में को सूर भी अच्छे आ सेम सेम भी रिपोर्ट अच्छी है अच्छा जोड़न में भी सूर ना है ना जोड़न में भी सूर ना है ठीक है जस यूरिक एसिड यानी मुझे एक्सीडेंट भी थे लाए पर मुझे अल्लाह के फजल से कोई किस्म की का बीमारी ना है और मुझे वेट वडो है तकरीबन 100 से वेट है 100 वेट है एज कितनी है एज 1970 की पैदाइश है तकरीबन माना 48 साल उम्र की है 68 साल 48 इनका वेट ज्यादा है 48 इनकी एज है और यूरिक एसिड का इशू है जबकि दर्द जोड़ों में कहीं भी कुछ भी नहीं यूरिक एसिड पे बात कर रहे थे मैंने अभी आपसे कहा था कि यूरिक एसिड ओवर डायग्नोस्ड और ओवर ट्रीटेड प्रॉब्लम है ओके ये शायद ऐसे मरीज हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है प्रॉबेबली दवाइयों की जरूरत नहीं है मेरी तजवीज़ ये होगी कि आप अपना डाइट कंट्रोल जो कर रहे हैं करें उस लेवल को ट्रीट करने की कोशिश नहीं करें उसके बारे में आप परेशान ही रहेंगे कि वो ना ऊपर जा रहा है और ना नीचे आ रहा है ठीक तो अगर आपको उससे कोई अलामत नहीं है तो एज सच देखिए मेटाबॉलिज्म हर इंसान का डिफरेंट होता है यूरिक एसिड बनता है प्रोटीन से तो आपके बॉडी में जो प्रोटीन्स जाते हैं ये भी आपको फूड्स इसलिए मना किए जाते हैं कि इसकी वजह से जो हाई प्रोटीन टर्नओवर है हाई प्रोटीन टर्नओवर से यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है अगर वो आपको प्रॉब्लम नहीं कर रहा तो आपके इसका मतलब आपका किडनी सही काम कर रहा है और आपके बॉडी का लेवल वो होगा रेफरेंस रेंज और लेबोरेटरी को नंबर्स को ट्रीट करने की कोशिश ना करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यूरिक एसिड का पीछा छोड़ दें इसको छोड़ दें आप और अपने वजन के ऊपर तवज्जो दें देखिए इसमें ये है कि वजन इनका 100 है एक आम पब्लिक के लिए बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स गूगल पे सर्च करें और वो आपसे वेट और हाइट पूछे एक चार्ट वहां पर आ जाता है उस चार्ट को देख ले चार्ट नहीं एक वो कैलकुलेटर खुल जाता है हां हां बिल्कुल उसमें अपना वजन डाल दें और उसमें अपनी हाइट डाल दें ओके तो वो आपको बता देगा बीएमआई कितना है सही तो जिसका भी बीएमआई 30 से ज्यादा है वो ओबेस
सिटी में कंसिडर होगा। सर आपने कहा वजन डाल दे सुनो को फोन के ऊपर ही खड़े हो जाए। वेल कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। बहरहाल इस तरह के कामों में ऐसा तो होता है। अच्छा वही वजन और जोड़ों का दर्द, ये पता नहीं क्यों सालों से हम सुनते आ रहे हैं लेकिन कोई फिर भी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो अब ये कि चूंकि टाइम भी हमारे पास बहुत कम रह गया, तो लाइफस्टाइल को किस तरह मैनेज करना चाहिए आज के इस खतरनाक और मुश्किल दौर में? हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग, और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, नाश्ते का क्या? देखें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी फूड का कंपोनेंट है वो प्रोटीन है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे इसको इस तरह समझ लें, बिरयानी या सालन है वो रोटी के साथ खाना, या आपने वही चिकन को रोस्ट कर लिया या उसको बारबेक्यू कर लिया, दोनों में फ़र्क है, दोनों के कैलोरीज कंटेंट में फ़र्क है। तो एक अवेयरनेस पब्लिक के दरमियान ये होनी चाहिए, जो अपना वेट रिड्यूस कर रहा है, जो मैं खा रहा हूँ उसमें कितनी कैलोरीज हैं, और ये कैलोरीज डिटरमिन करने के लिए बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, डाइटिशियन से मिल रहे हैं, ताकि उनको ये पता चलो एंड ऑफ द डे पूरे दिन में उन्होंने कितनी कैलोरीज ली हैं। एक तो जब ये अवेयरनेस हो जाएगी तो वो शायद और चीज़ें नहीं खाएंगे, रोकेंगे अपना हाथ ज़्यादा चीज़ें, मिसाल के तौर पर गुलाब जामुन 2-3 खाने से भी 600 कैलोरीज आ जाती हैं, अब 2200 पूरे दिन की हैं तो 600 तो ऐसी बैठे बैठे खा ली, तो ये अवेयरनेस की ज़रूरत है। दूसरा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइकिलिंग है। अब हम अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ट्रैक नहीं है जहाँ पे साइकिल चलाएं, या फुटपाथ ही नहीं है जहाँ पे आप चल सकें। सर अब बन रही है। हाँ अब अल्लाह करे कि ये इस तरह हो जाए, जो बहुत जरूरी है, आप रोड पे वॉक नहीं कर सकते। सर दूसरी बात है कि बन भी जाए, हम लोग इतने कोई लेजी हो गए हैं कि फुटपाथ अगर हो भी तो हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टकट लें। अगर स्कूल जाना है बच्चे का, फर्ज करें थोड़ी सी डिस्टेंस पर है, या दूर लेने भी जाना है, तो वो हम गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं, गाड़ी पे जाएं लेकर आएं उसके बाद फिर वापस आ जाएं। तो वॉक हम शायद खुद करना नहीं चाहते मेरे ख्याल से, जबकि अगर जिसको करनी हो तो फिर करने वाले के लिए रास्ते खुद ब खुद तलाश करने पड़ते हैं। मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है इंसान का। हम लोग कहते हैं बस सोते रहें खाते रहें और जीते रहें, दैट्स इट। सो यही चीज़ है ना मेजॉरिटी। बिल्कुल, देखिए मैंने कहा हमारी ओवरऑल, जॉन एफ कैनेडी ने यूएसए में एक हेल्थ ड्राइव शुरू की थी, उसका फ़ायदा उनके एक जनरेशन को हुआ। अब उनके पास भी आप देखें ओबेसिटी इज़ अ बिग प्रॉब्लम यूएसए के अंदर भी बहुत बड़ी। हमारे यहाँ आई शुड कंग्रेचुलेट सिन टीवी एंड यू कि आप लोग हेल्थ अवेयरनेस और बहुत एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए, ठीक है, वो दे वर रिवॉल्विंग अराउंड ऑर्थोपेडिक्स, मगर जनरली स्पीकिंग there is no health awareness program to keep your diet and your exercise and your physical activities better, ताके आपको बीमारियां हो ही ना। ठीक, बड़ी अच्छी बात आपने कही, और थैंक यू सो मच आप दोनों मौजूद मेहमानों का, आपने खास वक्त दिया, और ये जो दोनों टॉपिक्स है ये वक्त की अशद जरूरत थी कि इनको डिस्कस किया जाए और इन पर बात की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसे आप कॉल से अंदाज़ा हो गया होगा, अभी तो बहुत सारी कॉल्स हमने नहीं ली, चूँकि अगर कॉल्स लेते तो फिर बातें हमारी रह जाती। तो बहरहाल दोनों बहुत ही खास मौजू थे, बहुत शुक्रिया आपका। आई बख्श के माँ चाहिए अबा थोड़ो ही अच्छो हे मेहमान के गिफ्ट्स, ये गिफ्ट्स आपके साथ जाएंगे इंटरफूड की तरफ से। ये कुछ केक्स हैं, एक ये आपके लिए चॉकलेट का है लाइक केक, और चॉकलेट कोटेड है, कोपरा है इसमें, वेट बढ़ जाएगा, लेकिन कभी कभार तो चलती है चीज़ें, जब सेलिब्रेशन हो या कोई अच्छा काम कर रहे हो तो कहते हैं कि मीठा बनता है, तो ये रियल केक है, आप इस्तेमाल कीजिएगा, बड़ा टेस्टी बड़ा लजीज है, और खाते वक्त ये मत सोचिएगा कि वजन बढ़ जाएगा। सो व्यूवर्स मुझे बुधा नीला तो जो गाल के रियल केक जी इंटरफूड कंपनी है उनजो ही प्रोडक्ट है, अवां ज़रूर खाण जो जिन शौकीन आए हो केक तमाम घना अवे पसंद आए, अवां खरीद करें सब होता है। मुख्तलिफ फ्लेवर्स अवेलेबल हैं, स्ट्रॉबेरी है, खोपरे जो फ्लेवर है, चॉकलेट है, कुल्फा है, इन के अलावा भी बया फ्लेवर्स हैं, तो अवां जरूर इंतखाब कयो, जो भी तहां के पसंद है अवां वो पांच लाए या पांच बारन जे लाए खाई सको था। पर एकड़ी गाल याद रखो, कें भी शय जो हद का वधीक इस्तेमाल, चाहे वह सेहत के लिए केतरी फायदेमंद छो न हो, वो हमेशा खतरनाक होंद है। जो भी शय इस्तेमाल कर वह पे लिमिट में कर, वह खाधे पीते जो शूं हुजन, वह टेक्नोलॉजी हुए, वो तुम लाइफ स्टाइल है, या कुछ भी जो हद का वधीक करे था वनों ना, वो असान जात के लिए या असान सेहत के लिए तमाम घो हानिकारक होंद है। तो खुश रहो, हेल्दी रहो, पे जिंदगी के बेहतर बनाओ। अगेन थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने खास टाइम दिया। व्यूवर्स इजाज़त जो टाइम भी अची चुको है, इंशाल्लाह जिंदगी साधनो तो वरी अवां सां सूमर जे दिहाड़े मुलाकात थींदी। सूमर ते छा टॉपिक होंदो, कहड़े मौजू ते गालींदासीं, इहो तव्हांजे लाइ सरप्राइज़ आहे।
अजोको प्रोग्राम जैसे कें सबब के अद डिठो एगा मिस थो तो वो यूट्यूब से असो चैनल है सिंध टीवी एच डी के नाले से उत शाम चई का प्रोग्राम मिली वो जैक मालूम खपे तो अवां खे बुधाईंदी लाइ त फेसबुक ते वञी करे अवां सलाम सिंध जे पेज खे लाइक करे सघो था। काफ़ी पेजिस ठही विया आहिनि, उन पेज ते मुंहिंजी ऐं शाद जी पिक्चर लॻियल आहे, उहा डी पी लॻियल आहे, तव्हां उनखे लाइक कयो ऐं उते तव्हांखे सॼियूं अपडेट्स मिली वेंदियूं। मतिलबु जिथे बि असांजी वधीक पिक्चर्स तव्हांखे मिलनि उहो ई असांजो पेज आहे। उते शाम ताईं असां लिंक बि शेयर करे छॾींदासीं, तव्हां उतां शेयर करे सघो था पंहिंजे दोस्तनि सां। ऐं मोबाइल एप बि आहे, तव्हां उहो बि डाउनलोड करे सघो था। ऐं जेकॾहिं अञा सहूलियत ॿुधायां त राति जो हूअं जागण त न खपे पर वरी बि जेकॾहिं मिस थी वियो आहे प्रोग्राम त तव्हां ॾिसी सघो था 1-3 ताईं हे प्रोग्राम राति जो रिपीट बि थींदो आहे। सो हाणे सॼा तरीक़ा तव्हांखे ॿुधाए चुकी आहियां, हाणे न चइजो त अधी प्रोग्राम मिस थी वियो, हाणे मिस जी का गुंजाइश कोन आहे। इनशाला सूमरु तव्हां सां मिलंदासीं, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, पंहिंजे मेज़बान शाज़ी करीम खे फ़िलहाल जे लाइ इजाज़त ॾींदा। अलाह हाफ़िज़। सुबुह जो पखी अखेर मां उडरे थो, हरी नारी रब खे संभाले निकरे थो, हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो भरे थो, खुशहाली ऐं अमन जो ॾे पैगाम, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सूं, मुंहिंजे सिंध खे सलाम सलाम सूं। Sun TV Network Mobile App. Watch live TV and all programs on your mobile. Download the app now.